एवरीवन, दिस इज सुमित एंड वेलकम टू पेट्रोगेट ऑनलाइन लेक्चर सीरीज। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ड्रिलिंग का टॉपिक थर्ड, जिसका नाम है ड्रिलिंग रिग्स एंड रिग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मतलब सर समझा नहीं, ड्रिलिंग रिग के बारे में तो लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। बिल्कुल किया है सर, जिसका नाम था टॉपिक टू और नाम था ड्रिलिंग मेथड्स। उसमें भी हम लोगों ने ड्रिलिंग मेथड्स के बारे में कुछ हल्का सा डिस्कस किया था। वो क्या था? वो ये था कि हम लोगों ने उसमें पढ़ा था केबल टूल ड्रिलिंग मेथड्स, व्हाट आर द बेसिकली ड्रिलिंग मेथड्स और ड्रिलिंग रिग्स दैट कैन बी यूज्ड टू ड्रिल ए वेल इनटू द सब सरफेस। तो कौन कौन से मेथड्स हो सकते थे, जैसे केबल टूल भी हो सकता था, फिर रोटरी हो सकता था। रोटरी में भी दो थे आपके, जैसे एक कैली रोटरी सिस्टम था, एक टॉप ड्राई रोटरी सिस्टम था। तो ये सारे हमने मेथड्स पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो वही के काफी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आज यूज होने वाले हैं, जो लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे वही काफी कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होंगे। बट सर इस टॉपिक में फिर अलग क्या है, अगर वही चीज यहाँ पे रिपीट होने वाली है तो? इस टॉपिक में अलग चीज क्या है कि जो भी आपकी रिग्स होती है उनको हमने पांच या छह भागों में डिवाइड कर दिया है। सर पांच या छह भागों में मतलब सर जैसे मान लो हम एक कोई पर्सन है, ठीक है, एक आदमी, जैसे मैं ही हूं, तो हम लोग किस किस से मिलके बने हैं? सर हमको हड्डी होनी चाहिए, हमारे अंदर मांस होना चाहिए, ठीक है, ब्लड होना चाहिए। तो ये हमारे सिस्टम्स हैं। इफ वी मेक दीज सिस्टम्स टुगेदर, मांसपेशियां हैं वगैरह वगैरह, तब जाके हम बनते हैं। ऐसे ही ड्रिलिंग रिग का भी सिस्टम्स है कि सर उसके अंदर ऐसे कौन कौन से सिस्टम हैं, अगर हम उनको मिला दें तब जाके एक ड्रिलिंग रिग बनती है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो सर उसमें तो 5, 50, 60, 70, 80, 100, 150 कंपोनेंट है जो उसमें यूज होते हैं, इनफैक्ट ज्यादा है यार। तो सर हम 100, 150 कंपोनेंट के बारे में बात करने वाले हैं क्या? देखिए करेंगे तो हम काफी कंपोनेंट के बारे में बात, लेकिन उसका जो क्लासिफिकेशन होगा वो पांच या छह तरीके से हम लोग पांच या छह सिस्टम में हम लोग बांट सकते हैं। जैसे हम लोग अपने आप में अपने आप को अगर हम सिस्टम मानते हैं तो उसमें हम बांट सकते हैं। बोन हमारे पास है, ठीक है, मांस हमारे पास है, मांसपेशियां हमारे पास है, ब्लड हमारे पास है, ठीक है, इस तरीके के सिस्टम्स में हम बांट सकते हैं आपस में मेजरली। लेकिन अगर मैं फिर अंदर हड्डियों की भी बात करूंगा तो उसमें भी बहुत सारे सिस्टम देखने को मिलेंगे, लेकिन मेजरली बोल सकता हूं कि ये हड्डी है, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन सर यहां पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है क्या? यस। तो हम लोग ड्रिलिंग रिग को मेजरली कई बार देखा था, किसी किताबों में पांच सिस्टम्स के बारे में बांट दिया गया है, किसी किताबों में छह सिस्टम में बांट दिया गया है। तो मैं छह के बारे में डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। तो वो हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। सर इस यहां पर पढ़ने क्या वाले हैं सर ये बताओ। हम लोग ड्रिलिंग रिग तो हमने देख ली है, ऑलमोस्ट क्या देख लिया सर, हमें पता है केबल टूल था जो पहले यूज होता था, काफी शैलो डेप्थ पे यूज होता था। उसके बाद एक रोटरी ड्रिलिंग मेथड था और एक टॉप ड्राई वाला था। तो टॉप ड्राई और कैली रोटरी है ना, बोथ आर डिफरेंट। चलिए तो सर ये तो मैं समझ गया, लेकिन रिग के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, मतलब जो जो सिस्टम्स हम ऑपरेट करते हैं एट द टाइम ऑफ ड्रिलिंग, व्हाट आर दोज सिस्टम्स, तो वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सर वो कौन कौन से, वही देखने वाले हैं दोस्त। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ बता दूं आपको, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोलूँ कि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्यों सर? क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको बोला भी है कि ड्रिलिंग में न्यूमेरिकल आर मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू थ्योरीज। अगर 10 नंबर का ड्रिलिंग से आपके एग्जाम में पेपर्स बना है तो इसका मतलब 6 या 7 नंबर का न्यूमेरिकल रहा होगा और 3 या 4 नंबर का आपका कहीं ना कहीं थ्योरी रहा होगा, समझ रहे? तो इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है न्यूमेरिकल ड्रिलिंग सब्जेक्ट में, और इस टॉपिक में न्यूमेरिकल काफी ज्यादा आएंगे, तो इसका मतलब ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये मैंने बार बार आपको रिपीट कर दी है, तो इसलिए इसको सीरियसली लेंगे हम लोग, और सारे न्यूमेरिकल को फील करने की कोशिश कराऊंगा कि सर कैसे फील होता है, वो फील कराने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और कैसे इस कॉन्सेप्ट को जो भी हम यहां पढ़ने वाले हैं ना वो मैं एक फील से पढ़ाने वाला हूं, दैट्स इट, ठीक है। चलिए तो टॉपिक अगर हम पहली स्लाइड देखें सर यहां पे क्या है, तो आप लोग देख सकते हो हम इस यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं। देखिएगा जितनी भी थ्योरी में डिस्कस करने वाला हूं, जो मैं बोलूंगा वो यहां लिखा होगा, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। तो मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ने वाला, लेकिन अगर आप कहेंगे तो बढ़ा भी दूंगा भाई, लेकिन जो मैं बोल दूंगा वो यहां लिखा ही होगा, डोंट वरी, ठीक है। तो आप देखना बेसिकली यहां पर मैं क्या बोलने वाला हूं, मेजरली 6 मेजर सब सिस्टम होते हैं किसी ड्रिलिंग रिग में, जब जो जो आपस में अपने आप में ईच सिस्टम है ना एंड फंक्शन ऑफ ईच सिस्टम ऑफ
डिफरेंट, ठीक है। तो जितने भी हम लोग यहाँ पे 6 सिस्टम देखने वाले हैं, उनके 6 के 6 के सिस्टम्स जो हैं, वो उनके जो फंक्शन है, जो काम है, जो पर्पज है, दैट आर बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है। तो पहला सिस्टम अगर मैं देखूँ सर, पावर सिस्टम होगा, देखते हैं वो क्या करता होगा। कुछ एक होस्टिंग सिस्टम होता होगा, एक सर्कुलेटिंग सिस्टम होता होगा, उसके बाद अगर मैं देखूँ सर, उसके बाद एक रोटरी सिस्टम होता होगा, एक वेल को कंट्रोल करने का सिस्टम होता होगा, एक वेल को मॉनिटर करने का सिस्टम होता होगा। तो दीज आर बेसिकली 6 सिस्टम है। किसी किसी किताब में हम लोग देखेंगे ये वेल मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं लिखा हुआ और ये 5 सिस्टम दिखा दिए गए, 1, 2 और आपका इधर 3 यहां पे है, ठीक है। लेकिन ठीक है, जब वो होता है तो उसको भी हम रख लेते हैं, क्योंकि 2 लाइन मुझे पढ़ानी है उसमें। चलिए, तो पहला अगर मैं सिस्टम देखूं सर, वो है पावर सिस्टम। देखिए, कोई भी रिग मेरे पास होगी, उस रिग को कहीं ना कहीं से मुझे पावर देनी चाहिए या पावर देनी पड़ेगी। पावर चाहे आप लोग उसको मैकेनिकल पावर दे दो, ठीक है, डायरेक्ट रोटेशनल पावर दे दो, या फिर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दे दो, ठीक है। तो किसी ना किसी तरीके से आपको पावर देनी पड़ेगी भैया जी। तो दैट सिस्टम, जो भी सिस्टम हम लोग पावर देने के लिए यूज कर रहे हैं, दैट विल बी योर पावर सिस्टम। सर पावर क्यों देनी पड़ेगी, ऐसा क्या है? अरे भाई, वहां पे आपको चीजें घुमानी भी है, ड्रिलिंग करने के लिए रोटेट भी करना है, मड को पंप करने के लिए हाई प्रेशर से पंप को चलाने भी है, कटिंग्स को ऊपर भी लाना है, बहुत सारे वहां पे काम है। ऊपर जो क्रेन लगी हुई है वो भी यूज करनी है यार, ठीक है। कहां लगी है क्रेन? पता नहीं सर कहां लगी हुई है, देख लेंगे भाई, जहां भी लगी हुई है। तो मुझे पावर सिस्टम का मतलब क्या हुआ सर? पावर सिस्टम का मतलब ये हुआ कि डिस्क्राइब द पावर सिस्टम ऑन ए ड्रिलिंग रिग। तो इस पावर सिस्टम के अंदर मैं पावर सिस्टम को डिस्क्राइब करना चाहूंगा, तब जाके मेरा ये टॉपिक खत्म होगा। उसके बाद सर और क्या है आपके पास? सर उसके बाद एक होस्टिंग सिस्टम है। सर ये क्या है? होस्टिंग सिस्टम जो है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि जो भी सिस्टम मेरे चीजों को होस्ट करने में यूज हो रहे हैं, होस्ट मतलब चीजों को नीचे लाने में, चीजों को ऊपर उठाने में, ये होस्टिंग सिस्टम है। अप एंड डाउन जो भी सिस्टम, जो भी इक्विपमेंट मेरे होस्टिंग करने में यूज हो रहे हैं, दैट विल बी कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ होस्टिंग सिस्टम मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर मैंने चीजें लिख दी है, द नेम आइडेंटिफाई, वो चीजें मुझे आइडेंटिफाई करने हैं, वो इक्विपमेंट मुझे देखने हैं, उनके नाम के बारे में पढ़ना है और उनके पर्पज के बारे में देखना है। पर्पज of each of the component part which will be the which will part of the hosting system, जो भी मुझे पढ़ने हैं वो सारे उनके नाम मुझे पढ़ने हैं और उनके purpose मुझे पढ़ने हैं, जो कि hosting system में use होते हैं। मुझे slip and cut assembly के बारे में पढ़ना है, मुझे tension जो drilling line पे होगा वो पढ़ना है, मुझे direct load पे जो जो load लग रहे होंगे casing और casing या फिर बोलूं drill string को pull करने में या pull down करने में, वो मुझे पढ़ने हैं। तो मतलब होस्टिंग से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट है, दैट वी हैव टू डिस्कस। अगर उससे रिलेटेड कोई डेटा है, न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला है, वो भी डिस्कस करना है। फॉर्मूला है तो न्यूमेरिकल भी होगा, तो वो भी डिस्कस करना है। तो वो मेरा होस्टिंग सिस्टम के अंदर आएगा। तो ये सारी चीजें मुझे टॉपिक 3rd में ही पढ़ने हैं क्या? हाँ भैया जी, क्योंकि टॉपिक 5 जो है वो डिफरेंट है। चलिए, तो सर्कुलेशन सिस्टम मतलब सर आपको पता है ड्रिलिंग करते टाइम ड्रिलिंग फ्लूइड जरूर यूज होगा। ड्रिलिंग फ्लूइड आपका इधर से जाएगा, बिट के थ्रू निकल के, ड्रिल स्ट्रिंग के थ्रू निकल के, बिट के थ्रू निकल के, एनुलर से कटिंग को लेके सरफेस पे ले आएगा, फिर उसको छान के दोबारा से भेज देंगे। सिंपल तो यही हो सकता है। तो वो जो भी कंपोनेंट इस प्रोसेस में पार्ट ले रहे होंगे, वो मुझे इस सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर पढ़ना होगा, ठीक है। तो सर सर्कुलेशन सिस्टम भी पढ़ लेता हूं, फंक्शन ऑफ ड्रिलिंग फ्लूइड्स पढ़ना है मुझे, और आइडेंटिफाई करने हैं वो इक्विपमेंट, उनके नाम और उनके पर्पज ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट व्हिच आर टेकिंग द पार्ट इन सर्कुलेटिंग सिस्टम, इन सर्कुलेटिंग सिस्टम। तो सर ये भी पढ़ना है। सर और भी कुछ पढ़ना है क्या? सर अगर मैं सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ लूँ 6 के 6, तो क्या मैं एक रिग के बारे में पढ़ लूंगा अपने आप ही? बिल्कुल पढ़ लूंगा सर। चलिए सर, इसके बाद सर्कुलेशन सिस्टम में और भी कुछ है सर? सर्कुलेशन सिस्टम में जो भी चीजें यूज होती है ना, वो होती है पंप। वही पंप आपके फ्लूड को, हाइड्रोकार्बन को, सॉरी मड को पंप करते हैं, जो कि फिर ड्रिलिस्टिंग के थ्रू, बिट के थ्रू निकल के एनुलर से वापस चला जाता है। तो उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं पंप चाहिए होंगे, और पंप कई तरीके के हो सकते हैं, डुप्लेक्स हो सकते हैं, ट्रिप्लेक्स हो सकते हैं। इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में भी देखेंगे, फॉर्मूला भी देखेंगे और न्यूमेरिकल भी देखेंगे भैया, और वो इंपॉर्टेंट भी है, इनफैक्ट मैं बोलूंगा वो आते हैं। चलिए सर, मुझे कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द वॉल्यूमेट्रिक आउटपुट ऑफ ट्रिप्लेक्स और डुप्लेक्स पंप। सर अगर आपके पास डेटा है आपका पंप का, कि व्हाट आर द डायमीटर ऑफ द पंप, व्हाट आर द डायमीटर ऑफ द पंप, व्हाट आर द स्ट्रोक लेंथ,
डायमीटर ये रहा, स्ट्रोक लेंथ ये रहा, तो सर कहीं ना कहीं आप इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लोगे और उस वॉल्यूम की हेल्प से आप इस पंप, ये पंप एक सेकंड में कितना, एक मिनट में कितना ड्रिलिंग फ्लूड पंप कर रहा है, दैट वॉल्यूमेट्रिक पंप आउटपुट पावर वगैरह सब कुछ निकाल लेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक जो आउटपुट है ड्रिलिंग फ्लूड का किसी भी डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स और जो भी आपका पंप यूज कर रहे हो वो निकाला जा सकता है, इनफैक्ट निकालना है। चलिए, तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो वो चीज हम लोग देखेंगे। तो पंप में कितनी हॉर्स पावर रिक्वायरमेंट है मुझे? सर अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है, सर मुझे 500 बैरल पर मिनट ड्रिलिंग फ्लूड पंप कराना है और जो प्रेशर है ना उस पंप का, उस ड्रिलिंग फ्लूड का, वो लगभग 2000 PSI होना चाहिए। तो क्या इससे मुझे एक डाटा मिल गया, क्या मेरी रिक्वायरमेंट मिल गई है क्या? यस। तो ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए व्हाट विल बी द पंप हॉर्स पावर वो भी मुझे कैलकुलेट करना होगा, इनफैक्ट करेंगे जब हम लोग सर्कुलेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। तो उसके बाद क्या आता है सर? रोटरी सिस्टम आता है। अभी तक क्या देखा हमने? अभी तक देखा सर्कुलेटिंग सिस्टम के बारे में, अब हम देखने वाले हैं भैया रोटरी सिस्टम के बारे में। तो रोटरी सिस्टम क्या है सर? रोटरी सिस्टम में वो हम लोग इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उनके नाम देखने वाले हैं, उनके कंपोनेंट, उनके पर्पस देखने वाले हैं, विच आर टेकिंग पार्ट इन द रोटरी सिस्टम, जो भी रोटरी सिस्टम में यूज होते हैं उनके पर्पस, उनके बारे में हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। बात समझ रहे हैं? चलिए, उसके बाद सर रोटरी सिस्टम मतलब रोटेट करने वाला सिस्टम। सर देखो, ड्रिलिंग फ्लूड करने वाला तो मैं समझ गया, ऊपर नीचे उठाने वाला भी मैं समझ गया, होस्टिंग सिस्टम हो गया। पावर के लिए सर इन सबको पावर देने वाला एक बंदा सबसे ऊपर बैठा होगा, मतलब एक भगवान होगा जो रोटरी सिस्टम को पावर दे रहा है, ड्रिलिंग फ्लूड को पंप करने के लिए पावर दे रहा है, रोटेटिंग करने के लिए पावर दे रहा है, वो एक बंदा तीनों को पावर दे रहा है। वो हो गया आपका पहला सिस्टम जो कि पावर सिस्टम था। दूसरा हुआ आपका होस्टिंग सिस्टम जो ऊपर नीचे उठाने का काम कर रहा है, जिसमें फास्ट लाइन आएगी वो उसको हुक को ऊपर उठा देगी फिर जाएगी, समथिंग लाइक दैट। दूसरा सर उसके बाद सर्कुलेशन सिस्टम जिसमें मड यूज हो रहा था, उसके बाद रोटरी सिस्टम जो रोटेट करने के काम आएगा, जो रोटेट कराने के काम आएगा। किसको सर? केली को मान लो, या टॉप ड्राई को मान लो, या ड्रिल स्ट्रिंग को मान लो, या ड्रिल पाइप को मान लो, या बिट को मान लो। ठीक है भैया, चलिए सर वो सारी बातें मुझे यहाँ पे पढ़नी है। तो रोटरी में क्या है, मुझे पर्पज ऑफ रनिंग एंड पुलिंग आउट ऑफ द होल, ठीक है, मुझे ये भी देखना है, उसको उठाना दिखाना, हालांकि ये चीज आपकी होस्टिंग सिस्टम में भी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद पर्पज ऑफ मेकिंग ऑफ कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन करते टाइम हम लोगों को काफी ज्यादा ध्यान रखना होता है, तो ये भी हम लोगों को कनेक्शन वगैरह भी रोटरी सिस्टम में पढ़ने होंगे, देखेंगे हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे। सर उसके बाद भी और कोई सिस्टम होता है क्या? यस, वेल कंट्रोल सिस्टम होता है। वेल कंट्रोल सर मतलब समझानी? अरे यार, हम लोग जब ड्रिल करते हैं तो ड्रिलिंग के टाइम पे कई बार हाइड्रोकार्बन वेलबोर के अंदर आ जाता है, लेकिन मुझे उस टाइम पे वो नहीं चाहिए होता है। क्यों नहीं चाहिए होता है? क्योंकि मैंने कोई भी फैसिलिटी अभी इंस्टॉल की ही नहीं है कि हाइड्रोकार्बन आए इसको कहां इंस्टॉल करूं, कहां स्टोर करूं, किस पाइपलाइन से लेके जाऊं, तो मेरे पास अभी कोई भी प्रोडक्शन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वेब अपनी साइट पे। मेरे पास जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है वो सिर्फ ड्रिलिंग करने की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो मेरा हाइड्रोकार्बन आना तो जरूर चाहिए, लेकिन आज नहीं आना चाहिए दोस्त। ठीक है, मैं तो ड्रिल कर रहा था चुपचाप बिट की हेल्प से, और यार हाइड्रोकार्बन मेरा इधर से अंदर आ रहा है, और कई बार ये हाइड्रोकार्बन इतनी तेजी से आता है कि ये आपकी सारी रिग को ब्रेक कर देगा। तो इसीलिए मुझे वेल को कंट्रोल करने का सिस्टम भी लगाना होगा, और जो कि कहां लगाया जाएगा, ये आपका डायरेक्ट फ्लोर है, डायरेक्ट फ्लोर से नीचे आपका यहां पे BOP होगा, जिसको ब्लो आउट प्रिवेंटर बोलते हैं। इसको मैंने बार बार बता दिया है आप लोगों को, कई बच्चे इस बात को लेकर बोर भी हो रहे होंगे, सर क्यों बार बार ये बात बताते रहते हो आप। चलिए, तो मुझे वेल कंट्रोल से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट हैं उनके नाम और उसके पर्पज देखने हैं जो कि वेल कंट्रोल में यूज होते हैं। ठीक है, वेल मॉनिटरिंग इक्विपमेंट भी कुछ होते हैं क्या? यस सर, ड्रिलिंग रिग के पास एक वेल को मॉनिटर करने के लिए भी इक्विपमेंट होते हैं, जो इसको रिकॉर्ड करते रहेंगे एट व्हाट पर्टिकुलर डेप्थ योर बिट इज देयर, कौन सी डेप्थ पे आपकी बिट अभी है, कौन से फॉर्मेशन से वो गुजर रही है, कौन सी कटिंग्स आपकी ऊपर आ रही है, कौन सा ड्रिलिंग फ्लूड आप यूज कर रहे हो, व्हाट आर द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द बॉटम होल, ये सब कुछ चीजें आपकी रिकॉर्ड करेगा, जिसको हम वेल को मॉनिटर करते रहेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक वहां पे भूत तो बैठा नहीं भाई कि वो रिकॉर्ड करता रहेगा, कोई इक्विपमेंट तो होगा, तो वही वेल मॉनिटरिंग इक्विपमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो सर कहीं ना कहीं ये तो 6 हो गए आपके, बिल्कुल हो गए। तो सर
अगर मैं और कुछ देखूं, अगर मैं ड्रिलिंग रिग के हल्के से कंपोनेंट के बारे में बात करूं, हालांकि हमने लास्ट टाइम कर भी रही थी, लेकिन फिर भी हम हल्का सा कर लेते हैं। कुछ लोगों को बोरियत लगेगी, भाई लगने दो क्या करें, लेकिन कुछ अच्छा बता दूंगा, ठीक है। और ये फिगर जो भी मैंने डाली है कुछ सोच समझ के डाली है, देखिएगा समझिएगा। ये आपका क्राउन ब्लॉक है, ठीक है, सबसे ऊपर है क्राउन ब्लॉक। उसके बाद अगर मैं देखूं, यहाँ पे एक हमारी पुली लगी रहती है जिसको हम सीयूवी बोलते हैं, सीयू बोल दो, पुली बोल दो, ठीक है। चलिए, उन पुली से हमारी लाइंस होती है जिसको हम ड्रिलिंग लाइन बोलते हैं, और उससे लटका होता है हमारा हुक, ठीक है। आज हम इसके ऊपर काफी बात करने वाले हैं। हुक से हमारा लटका होता है स्वाइवल, स्वाइवल के नीचे का पार्ट रोटेटरी रोटेटिंग पार्ट होता है, इसके ऊपर का पार्ट यहां से लेके यहां तक का पार्ट स्टेटिक स्टेट में रहता है, कोई भी पार्ट नहीं रोटेट करता, इसके नीचे वाला पार्ट रोटेट करता है। और स्वाइवल की एक और खासियत होती है कि हमारा जो ड्रिलिंग फ्लूड एंटर करता है हमारे इस वेलबोर में, वो सबसे पहले स्वाइवल में ही करता है। तो आप लोगों को मैंने ये चीज बताई भी थी कि जब भी ड्रिलिंग फ्लूड आपका, देखिए ड्रिलिंग फ्लूड वाला प्रोसेस भी समझ लेते हैं, तो अगर मैं यहां पे देखूं सर कौन कौन से पार्ट हमारा, मान लेते चलो होस्टिंग में कौन कौन सा पार्ट काम ले रहा है वो मैं आपको बताता हूं। होस्टिंग में सर आपकी एक लाइन इधर होती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ड्रॉबॉक्स बोलते हैं, उसको फर्स्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको बता दूंगा वो चीज़ें। तो मान लो सर मुझे सर्कुलेशन सिस्टम समझना है, सर सर्कुलेशन सिस्टम मतलब सर ये आपकी पिट है, ठीक है, यहाँ से ड्रिलिंग फ्लूड पंप, ये जो पंप है मड पंप, यहाँ से पंप को सक करेगा, ड्रिलिंग फ्लूड को सक करेगा। जब ये सक करेगा तो ये पंप आपका जाएगा ऐसे हाइड्रो, ये जो आपका मड ड्रिलिंग फ्लूड है ये जाएगा ऐसे, ये जाने के बाद ऐसे जाके ये स्टैंड पाइप है, स्टैंड पाइप के बाद आपका आता है कैली होज या होज पंप बोलते हैं जिसको, ये स्वाइवल से कनेक्ट हो जाएगा, फिर जाएगा कैली में, ड्रिल स्ट्रिंग में, ड्रिल स्ट्रिंग में आपका ड्रिल पाइप और ड्रिल कोलर और हैवी वेट सब होता है, और फिर वो साइड से कटिंग को लेकर सरफेस पे आएगा। सरफेस पे आने के बाद बीओपी से गुजरने के बाद यहां पे बेल निप्पल लगा रहता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। बेल निप्पल का काम इतना होता है कि जो भी एनुलर से ड्रिलिंग फ्लूड सरफेस पे आने की कोशिश करेगा वो उसको एक डाइवर्ट पाथ प्रोवाइड कराएगा जिससे वो साइड से निकल जाए, और निकलने के बाद आपका यहां पे सेल सेकर में गिर जाए। सेल सेकर के बाद और थोड़े से इक्विपमेंट होते हैं जो इस ड्रिलिंग फ्लूड को फिल्टर करेंगे, जिसमें डिसेंडर, डीगैसर, डिसिल्टर इस तरीके की चीजें होती हैं। और जब ये बिल्कुल सारे पार्टिकल से फ्री हो जाएगा ड्रिलिंग फ्लूड, तो ये लगभग 99 पॉइंट ऐसा हो जाएगा कि जैसा आपने भेजा ऐसा ही बन गया, सारी चीजें सेपरेट कर लिए जो कटिंग्स हमने निकाली थी, ठीक है। फिर वो हम डाल देंगे मडपिट में और फिर से सक कर लेगा। अब मुझे एक बात बताओ यार, तो ये सारा प्रोसेस जो है ये किसका था? ये तो सर्कुलेशन सिस्टम का था। सेल सेकर किसका पार्ट है? सर्कुलेशन सिस्टम का है। सर स्वाइवल किसका पार्ट है? सर्वाइवल रोटेटिंग वाला भी है, सर्कुलेशन वाला भी है, एग्री है, क्योंकि ये रोटेट भी कराने में हेल्प कर रहा है, प्लस क्या, ये सर्कुलेटिंग भी करा रहा है। दूसरा सर आप ये बताइए मुझे, ये होज पंप किसका पार्ट है? ये सर्कुलेशन का पार्ट है। स्टैंड पाइप किसका पार्ट है? सर ये सर्कुलेशन का पार्ट है। तो ये कुछ पार्ट सर्कुलेशन के होंगे, कुछ होस्टिंग के होंगे, कुछ रोटेटिंग के होंगे, कुछ कंट्रोलिंग के होंगे वेल को, कुछ वेल को मॉनिटर करने के अलग रखे होंगे। इसको हम क्या बोलते थे? पाइप रैक, मैंने आपको बोला भी था। चलिए, ये रोटरी टेबल है आपका जो घुमा रहा है। दूसरा सर ये क्या है? सर ये क्या है? ये आपका है मोटर, ठीक है। अब ये मोटर देखो किस किस को एनर्जी दे रहा है। ये एनर्जी दे रहा है मड के पंप को, जो पंप करने वाले ड्रिलिंग फ्लूड को, उसको भी एनर्जी दे रहा है। ये एनर्जी दे रहा है आपकी इसको, ये आपका क्या है? ड्रॉबॉक्स। ड्रॉबॉक्स पे क्या लिपटा हुआ है? ड्रिलिंग लाइन। तो ड्रिलिंग लाइन अगर आप इसको उल्टा लपेटोगे तो ड्रिलिंग लाइन इस पे लिपट जाएगी और ये आपका ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि आपने ड्रिलिंग लाइन ऐसे खींच ली तो ये ऐसे ऊपर उठ जाएगा। अगर ड्रिलिंग लाइन आप रील आउट करोगे, इसको बोलते रील इन, इसको बोलते रील आउट, तो रील आउट करोगे तो यहां आपने से पतंग नहीं उड़ाते थे तो आपने ढील दे दी भाई, ढील दे दी, तो आपने ड्रिलिंग जो लाइन है उसको छोड़ा और ये ड्रिलिंग जो आपका हुक है यहां से सीव से लिपट रखी है आपकी लाइन और ये नीचे आ जाएगा क्योंकि आपने ढील दिए। तो इसको एनर्जी किससे मिल रही है? इसको भी मोटर से मिल रही है। तो यार ये क्या है? ये है आपका रोटरी टेबल को रोटेट करा रहा है। तो भी तो भैया जी, इसका मतलब ये है तो कहीं ना कहीं ये जो पंप है, ये जो मोटर है आपका, ये इन तीनों को एनर्जी दे रहा है।
कहा था मैंने पावर सिस्टम होस्टिंग को भी एनर्जी देगा, होस्टिंग को भी एनर्जी देगा, दूसरा सर्कुलेशन सिस्टम को भी एनर्जी देगा, जिसको मैं आपको डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स पंप बोल रहा था, और यही जनरेटर, यही आपको पावर सिस्टम रोटेटिंग रोटरी सिस्टम को भी एनर्जी देगा। बात समझ रहे हैं? तो भाई बहुत एनर्जी है इसके पास तो, बिल्कुल है भैया। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बायंसी फैक्टर, बायंसी फैक्टर क्या है, बिकॉज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसका थोड़ा फील भी कराने की कोशिश करता हूँ, और ये काफी ज्यादा रिपीट होगा हर एक सब्जेक्ट में, आइदर यू विल डिस्कस ड्रिलिंग रिजर्वर प्रोडक्शन, हर जगह पे ये डिस्कस होगा, तो इसका थोड़ा सा फील दे देता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए बायंसी फैक्टर का मतलब सर क्या है, बायंसी फैक्टर का मतलब ये है कि मान लो, बात समझिएगा, मुझे पता है सर एक ये फॉर्मूला होता है बायंसी फैक्टर। देखिए समझिए, एक चीज मुझे बताइए कि अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ये मेरा पानी का भरा हुआ एक बीकर है ठीक है, और मैं कोई भी ऑब्जेक्ट लेता हूँ, तो इस वेट, अब मान लो इसका वेट किसी हवा में अगर मैं मेजर करना चाहूं इस ऑब्जेक्ट का, तो मान लो 50 केजी है, तो अगर मैं इस 50 केजी को इस वाली बकेट में डुबाने के बाद वेट को मेजर करता हूं इसी ऑब्जेक्ट का, तो वो कम होगा, डेफिनेटली कम होगा ठीक है, क्योंकि ये वाटर इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा जो कि इसके 50 किलो, जो आपका 50 किलो वजन था, वेट था, उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस कर दे रहा होगा। अगर नीचे का फोर्स 5 है तो ऊपर से 50 है, तो ओवरऑल ऊपर से 45 वेट महसूस होगा, यहां पे मुझे इसकी रीडिंग देखने को मिलेगी 45। एग्री है? अगर यही फ्लूड विस्कस होगा तो ये ज्यादा फोर्स लगाना शुरू कर देगा, यही फ्लूड अगर विस्कस होगा तो ज्यादा फोर्स लगाना शुरू कर देगा ऊपर की तरफ को, तो आज वो प्रेशर, आज वो फोर्स ऊपर की तरफ से जो यहां वेट लग रहा था, अब वो 45 से भी घटके 40 बन जाएगा, और डेंसिटी बढ़ा दोगे तो ये 35 रह जाएगा। तो जितना ज्यादा फ्लूड डेंस आप लोगे, जितना ज्यादा मड आप डेंस ले लोगे, उतना ही नीचे से सपोर्ट देगा, उतना ही इसका वेट उस फ्लूड में कम महसूस होगा। इतनी बात समझ रहे? 50 से 40, फिर 35, फिर 30, फिर 20, इतनी बात पे आप समझ रहे हैं। तो सर कितना वेट कम होगा, ये कोई फॉर्मूला है क्या? बिल्कुल है सर। सर बायंसी फैक्टर का कोई फॉर्मूला है क्या? बिल्कुल है सर। जो भी डेंसिटी आप ले रहे हो, जो भी फ्लूड आप डुबा रहे हो, उसका ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ले लो, माइनस जिस भी मड में आप डुबा रहे हो उसकी डेंसिटी ले लो, और अपॉन फिर से ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ले लो। एग्री है? ठीक है, तो सर इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं ड्रिलिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो ये आपका वेलबोर है, वेलबोर में मैं मेरा ड्रिलिंग फ्लूड भरा हुआ है, तो या तो मैं इस वेलबोर में केसिंग डालूंगा, या मैं इस वेलबोर में ट्यूबिंग डालूंगा, या मैं इस वेलबोर में ड्रिल स्ट्रिंग डालूंगा, और ये सारी के सारी बनी होती आपकी स्टील की है, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट मेरा हर एक केस में स्टील होने वाला है, और मड मेरा कुछ भी हो सकता है, हो सकता है 9 पीपीजी का हो सकता है 10 पीपीजी का हो सकता है 11 पीपीजी का हो सकता है 12 पीपीजी का हो, जिस कोई भी डेंसिटी का मड मेरा हो सकता है। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि सर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो। कैसे सर? सर बायंसी फैक्टर इक्वल टू ऑब्जेक्ट मेरा हमेशा इनमें से कोई एक होगा, और उसकी डेंसिटी हमेशा स्टील की डेंसिटी के बराबर होती है, और ये बात मुझे पता है कि स्टील की डेंसिटी क्या होती है, वो होती है 65.4 ठीक है, 65.4 ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूं सर मड की डेंसिटी, वो कुछ भी हो सकती है, ले लेंगे जो देगा, और अपॉन में ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फिर से 65.4, तो दिस विल बी योर फॉर्मूला, और दिस विल बी योर बायंसी फैक्टर फॉर्मूला ठीक है, और ये जो डेंसिटी है दिस विल बी इन योर पीपीजी, मींस पाउंड्स पर गैलन ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखना चाहूं तो पीपीजी। सर इसका मतलब ये भी पीपीजी, ये भी पीपीजी, ये भी पीपीजी, यस पीपीजी पीपीजी कटेगा, बायंसी फैक्टर विल बी योर डायमेंशन लेस। एग्री हो? डायमेंशन लेस। सर इतनी बात भी समझ में आ रही है मेरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर अब मुझे बताओ, अगर मड़के डेंसिटी मुझे ग्राम पर सीसी में दे दी गई हो, बात समझिएगा, ग्राम पर सीसी में दे दी गई हो, तो क्या मैं उस टाइम पे भी ये वाली डेंसिटी पीपीजी में ले लूं? नहीं भाई, क्यों उल्टा पुल्टा कर रहे हो, क्यों उल्टा पुल्टा कर रहे हो? क्योंकि आपको ग्राम पर सीसी से ग्राम पर सीसी काटना पड़ेगा, तो या तो ये भी ग्राम पर सीसी में ले लो, या इसको पीपीजी में कन्वर्ट कर लो, एक ही यूनिट में रखो, तब जाके बायंसी फैक्टर आपका करेक्ट वैल्यू आएगा। तो सर ठीक है, वो कन्वर्जन तो आप मुझे सर बता देना, थोड़ा सा एक मुझे और फील करा दो सर, कैसे सर? क्या मैं इसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूं क्या कि सर वेट ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी मड के अंदर इक्वल टू सर वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का एयर में कितना है, और मल्टीप्लाई बायंसी फैक्टर।
सर क्या ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है क्या? यस yes, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। मतलब सर क्या बायंसी फैक्टर की वैल्यू मुझे बता दो एक बार सर, बायंसी फैक्टर की वैल्यू एक बार थोड़ी सी मुझे हल्के से ये बता दो, फील कराने की कोशिश करा रहा हूं, हालांकि इसकी कोई खास जरूरत भी नहीं है, लेकिन सुन लो मेरी बात कि सर बायंसी फैक्टर ये मान लो एक फॉर्मूला है, ठीक है। मान लो किसी ऑब्जेक्ट का वेट हवा में 50 है, किसी ऑब्जेक्ट का वेट हवा में 50 है, तो सर एयर में उसका वेट हो गया 50, ठीक है। और सर उसी ऑब्जेक्ट का किसी 9 ppg वाले मड में डालने के बाद, अगर ये 9 ppg का मड होता तो डालने के बाद मेरा वेट क्या बनेगा इस ऑब्जेक्ट का, अगर मैं मेजर करूं तो डालने के बाद, तो सर इस 9 ppg की वजह से, इस 9 ppg की वजह से लगने वाला बायंसी फैक्टर क्या होगा, लगने वाला बायंसी फैक्टर क्या होगा। तो मैंने यहां पे रखा 9 और मेरा आंसर आ गया, भैया क्या आंसर आ गया जरा देख लेते हैं, बात समझिएगा जरा देख लेते हैं, ये आ गया आपका 65.5 माइनस 9 अपॉन 65.5, तो ये बन गया आपका सर, ये बन गया आपका 0.862। देखिए तो मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं वेट देखूंगा मेरा मल्टीप्लाई 50, ये आ गया 43.43 समथिंग हो गया, और ये हो गया आपका वेट या पाउंड या जो भी मान लो, केजी था ना तो केजी ही मान लो, चलिए केजी हो गया। लेकिन सर अगर मैं यहां 10 पीपीजी का मड़ कर देता हूं, मतलब आप हैवी मड़ कर दो, हैवी मड़ कर दोगे तो सर इस बार आप इसमें से 10 माइनस करोगे, तो इस बार पहले से ये वैल्यू जो आएगी टोटल ये छोटी आएगी, तो ये वैल्यू इसको डिवाइड करेगा तो और छोटी आएगी, तो इस बार ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, ये वैल्यू छोटी हो जाएगी तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो और छोटी आएगी, तो इस बार वेट आएगा लगभग 40 kg। एग्जाम्पल टेक एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर 12 पीपीजी कर दूं तो भैया ये इसमें से आप इस बार 12 माइनस कर रहे हो तो ऊपर का वैल्यू जो है वो और छोटा हो जाएगा, डिवाइड करोगे और छोटा वैल्यू आएगा, बायंसी फैक्टर और छोटा हो जाएगा, और छोटे वैल्यू मल्टीप्लाई करके इस बार 35 ले आएगा। तो सर कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी मड़ की डेंसिटी आप बढ़ा रहे हो उतना ही उसका वेट घटता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हैवी फ्लूड, जो यहां पे हैवी फ्लूड 9 के बजाय 12 भर दोगे तो ये ऊपर की तरफ को ज्यादा फोर्स लगाएगा तो उसका वेट उतना ही कम हो जाएगा। इतनी बात आई थिंक आपके समझ में आ रही होगी और बताने की मुझे खास जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब सर बायंसी फैक्टर हमेशा एक से छोटा होगा क्या? हाँ ठीक है, एक से छोटा होगा या एक हो सकता है। अगर आप स्टील को स्टील के ऊपर ही रख दोगे तो 65.5 इसमें से गया 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका वेट कितना लगेगा? 0। अगर आप इसको हवा में छोड़ दोगे तो डेंसिटी ऑफ फ्लूड विल बी मान लो 0, तो इसमें से ये कटा, ये आ गया 1। तो कहने का मतलब बायंसी फैक्टर विल बी ऑलवेज इक्वल टू लेस देन 1, ठीक है। चलिए तो सर अब मुझे एक बात बता दो, ये जो आपने ग्राम पर सीसी वाला चक्कर नहीं बताया था, ये सर मान लो सर उसको समझने के लिए आप मेरी एक बात समझ लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बढ़िया चीज है। सर अगर मैं वाटर की डेंसिटी लेना चाहूं, वाटर की डेंसिटी लेना चाहूं, लिख लेना भैया इसको, क्या वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसी को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं, किलोग्राम को दूसरे किसी मास की यूनिट में ले लेता हूं जो कि हो गया आपका ग्राम, और जो मीटर क्यूब है इसको किसी और वॉल्यूम की यूनिट में ले लेता हूं जो कि होगा सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका हो जाएगा 1। अगर मैं ग्राम को किसी और यूनिट में लिखना चाहूं और सेंटीमीटर क्यूब को यानी कि वॉल्यूम को किसी और यूनिट में लिखना चाहूं, तो मान लो मेरी वो यूनिट है पाउंड पर गैलन, और जिसको हम शॉर्टकट में पीपीजी भी बोलते हैं, तो उसमें वाटर का वेट हो जाएगा, इसकी डेंसिटी हो जाएगी 8.33। इसके बाद अगर मैं पाउंड को एज इट इज पाउंड में लेना चाहूं और गैलन को हम फिट क्यूब में लेना चाहूं बिकॉज बोथ आर वॉल्यूम के यूनिट, तो ये हो जाएगा 62.4 पाउंड पर गैलन। और ये डेटा आपको उंगलियों पे याद रखना है, वाटर की डेंसिटी तीनों चारों यूनिट में, कितनी यूनिट है? चार यूनिट है, चारों यूनिट में आपको इसकी डेंसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। भैया क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए ये वाला, समझ गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो सर कन्वर्जन कैसे करें सर, वो मुझे बता दो हल्का सा, बिकॉज ये काफी काम आता है बच्चों के। कन्वर्जन ऐसे करें सर कि अगर मुझे पता है कि 1 ग्राम पर सीसी, बात समझिएगा, 1 ग्राम पर सीसी इक्वल टू 8.33 पाउंड पर गैलन, ठीक है, पाउंड पर गैलन, और इक्वल टू 62.4 पाउंड पर फीट क्यूब, ठीक है। इसका कन्वर्जन तो सीधा है कि जितना अभी ग्राम पर सीसी में उसमें 3 0 लगा दो, ये बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी रॉक की डेंसिटी 2.8 ग्राम पर सीसी है, ग्राम पर सीसी, तो उसमें आप लिख दो 2800
किलोग्राम पर मीटर क्यूब, आग बंद करके कितनी कितने से मल्टीप्लाई किया इसको, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी की डेंसिटी 6.1 है, क्या ग्राम पर सीसी, हालांकि इतनी होती नहीं है, तो अगर वो कन्वर्ट करना चाहो तो 6100 केजी पर मीटर क्यूब लिख सकते हो। तो ये कन्वर्जन तो सीधा सीधा सच्चा सा है, लेकिन नेक्स्ट इनमें तो ना कन्फ्यूजन हो सकता है। क्या सर कुछ नहीं, कन्फ्यूजन भी कुछ नहीं सर, पहले आप सीधी सीधी बात ये कर लो, आप किसी भी चीज को मुझे बताओ, अगर मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, अगर मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो 8.33 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इससे ग्राम पर सीसी इसमें जाना है तो 62.4 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। और अगर मुझे यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है तो 62.4 से डिवाइड हो रहा है, यहां मल्टीप्लाई हो रही थी, यहां भी मल्टीप्लाई हो रही थी, इससे इससे वापस यहां आना है तो यहां 8.33 से डिवाइड हो रहा है, एग्री हो क्या? इससे 8.33 डिवाइड करूंगा तभी तो बनाएगा, यहां से यहां जाना है तो इसमें 8.33 की मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो आएगा, ठीक है। तो सर अगर आपके थोड़े से कन्वर्जन में की प्रैक्टिस में हल्की सी आपको यहां कराना चाहूं, मुझे बताओ 2.1 ग्राम पर सीसी को कन्वर्ट कर दो पीपीजी में, ठीक है। दूसरा 2.1 ग्राम पर सीसी को कन्वर्ट कर दो क्या पाउंड पर फिट क्यूब में, ठीक है। तीसरा 10 पाउंड पर गैलन, यानी कि पीपीजी को आप कन्वर्ट कर दो पाउंड पर फीट क्यूब में, ये दिमाग लगा चलाएगा तुम्हारा, हालांकि है सिंपल ही, ठीक है। चलिए समझना मेरी बात, देखो चार का तीन चार कन्वर्जन बताता हूं, यही काफी है, अगर ये समझ गए तो हो जाएगा। सर 2.1 ग्राम पर सीसी को पीपीजी में लाना है, मतलब 1 ग्राम इक्वल टू ये, 2 ग्राम इक्वल टू 2 × 8.3, 2.1 ग्राम पर सीसी यानी कि इसमें जाना है, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि मैंने कर दिया 2.1 मल्टीप्लाई 8.33, ये बन गया आपका 17.49 पाउंड पर गैलन। 2.1 ग्राम पर सीसी को कन्वर्ट करना है, यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा 62.4 से, यानी कि ये बन गया मेरा 2.1 मल्टीप्लाई 62.4, ये बन गया 131.04 पाउंड पर फीट क्यूब, एग्री। दूसरा ये ग्राम पाउंड पर गैलन से मुझे बदलना है इसमें, तो पाउंड पर गैलन से मल्टीप्लाई आप इसको पहले यहां पे ले आओ, सिंपल करके इसको यहां पे ले आओ, जब इसको यहां पे लाऊंगा तो 8.33 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने किया भैया यहां पे जाना है मुझे, तो मैंने किया इसको कन्वर्ट, इसको डिवाइड किया 10 डिवाइड बाय 8.33, यह आ गया आपका 1.2 ग्राम पर सीसी, और अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 62.4 से, यह बन गया 74.9, ये हो गया पाउंड पर फीट क्यूब। तो पहले आप इसको 1 पे ले आओ, फिर 1 के बाद यहां जाने का भी रास्ता है, 1 के बाद यहां भी जाने का रास्ता है, तो उसको वापस 1 पे ले आए, तो इस तरीके से कन्वर्जन भी करेंगे, ठीक है। तो क्या आपको ये बाकी की यूनिट्स किसी और यूनिट में याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि ये यूनिट है आपकी जब आपकी डेंसिटी पाउंड पर फिट क्यूब में दी हो, ये है आपका जब आपकी डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सीसी में दी हो, ठीक है, और ये आपकी यूनिट है जब आपकी पीपीजी में दी हो। तो एक में याद रख लो, बाकी कन्वर्जन आप कर लोगे, ठीक है, बाकी कन्वर्जन आप कर लोगे। अगर आप कहो तो बता भी देता हूं, चलिए देखिए, बायंसी फैक्टर 65.4 माइनस डेंसिटी ऑफ मड अपॉन 65.4, ये भी पीपीजी, ये भी पीपीजी, ये भी पीपीजी, मुझे कन्वर्ट करना है। अगर आपकी डेंसिटी ये वाली मड की पाउंड पर फिट क्यूब में दे रखी है तो ये भी आपको पाउंड पर फिट क्यूब में ही लेने पड़ेंगे, और स्टील की डेंसिटी पाउंड पर गैलन में तो ये होती है, पाउंड पर फिट क्यूब में क्या होगी? सर मैंने कहा 65.4 पाउंड पर गैलन को पहले ग्राम पर सीसी में तो ले आओ, वन के कोरस्पोंडिंग तो ले आओ, ठीक है, ले आता हूं सर। जब पाउंड पर गैलन को 8.33 से करूंगा तो ये बनेगा आपका डिवाइड 8.33, ये बनेगा 7.85 ग्राम पर सीसी बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 62.4 से, ये बनेगा 489.9 पाउंड पर फीट क्यूब। तो अब फॉर्मूले में आप ये नहीं रखेंगे, क्योंकि ये यूनिट पाउंड पर फीट क्यूब में है, तो ये भी यूनिट पाउंड पर फीट क्यूब में ही रखनी पड़ेगी कन्वर्ट करने के बाद। तो चाहे तो आप चार पांच फॉर्मूले याद कर लो, चाहे कन्वर्जन याद कर लो, तो वो मेरे हिसाब से कन्वर्जन ज्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि कन्वर्जन कहीं भी कहीं और भी काम आएंगे, ये क्यों फालतू में याद कर रहे हो।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए भैया, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ स्टील की डेंसिटी ये है, फलाना ढिमकाना जो भी है। चलिए अब सर मुझे एक बात बता दो, अगर ये बहुत बड़ा एक 22 में आया था गेट में क्वेश्चन आया था सर, कैसे, अगर पास पास समझिएगा, अगर आपका कोई भी आपका ड्रिलिंग स्ट्रिंग या केसिंग या ट्यूबिंग आपका डूबा हुआ है, बात समझिएगा, डूबा हुआ है ठीक है, और उसके बाहर भी जो मड है वो मान लो 9 PPG का है और अंदर भी 9 PPG का है, बात समझ रहे, तो मेरा फॉर्मूला कुछ नहीं लगेगा भैया, सीधा सा उसने मुझे पूछा है कि बायंसी फैक्टर निकाल लो, तो मैं बायंसी फैक्टर सीधा सा निकाल लूंगा, क्या निकाल लूंगा भैया, बायंसी फैक्टर निकाल लूंगा कि क्या निकालूंगा, वो निकालूंगा सीधा कौन सा आपका डूबा क्या हुआ है, स्टील डूबा है 65.4 माइनस डेंसिटी अपॉन फ्लूड जो कि आपका 9 PPG का है और अपॉन 65.54, तो ये बायंसी फैक्टर निकल गया आपका। लेकिन अगर कई बार ऐसा कुछ सिचुएशन बन जाए कि बाहर का ड्रिलिंग फ्लूड 10 PPG का हो, अंदर का किसी और PPG का हो सकता है 8 हो सकता है 8 हो 9 हो और 15 हो, मतलब अंदर और बाहर डिफरेंट ड्रिलिंग फ्लूड हो, तो बायंसी फैक्टर में कौन सी डेंसिटी को कोरस्पोंडिंग लूं, मतलब मैं 65.4 माइनस डेंसिटी जो लूंगा मड की कौन से लूं, बाहर वाली अंदर वाली, तो उस केस में आपका एक बड़ा सा फॉर्मूला लग जाएगा दोस्त, वो ये है। अब बोलोगे सर याद रखना है क्या, मैं बोलूंगा हाँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टिपिकल फॉर्मूला नहीं है, इसका सिंपल करके वर्जन में लिख देता हूँ यहीं पे, वो याद रख लीजिएगा, लेकिन रख जरूर लीजिएगा क्योंकि गेट 2022 में इस पे क्वेश्चन पूरा सटीक सीधा वैल्यू थी, आपको पुट करनी थी, आंसर आ जाना था, बात खत्म थी, ठीक है। तो चलिए, तो अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, बायंसी फैक्टर इक्वल टू, ये आपका कोई पाइप है, ये आपका ड्रिलिंग फ्लूड है इसके अंदर, और ये आपका कोई पाइप है, और इसमें आपका एक्सटर्नल एरिया ये रहा, इंटरनल एरिया ये रहा, और इंटरनल ड्रिलिंग फ्लूड वो जो है वो रो आई है, और एक्सटर्नल ड्रिलिंग फ्लूड की डेंसिटी रो ओ है, ठीक है, और जो बाहर का एरिया है दैट विल बी योर एक्सटर्नल एरिया, और ये है आपका इंटरनल एरिया, ठीक। अब आप कहोगे सर एरिया कैसे निकालते हैं, जस्ट इसी के बाद वो मुझे आपको बताना है, बहुत प्यारी सी चीज है, याद रखिएगा, समझिए, देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं सर, एरिया ऑफ एक्सटर्नल, मतलब आप एक्सटर्नल का एरिया निकाल लो, कैसे निकाल लेते हैं सर, कैसे सर, पाई बाय 4 आउटर डायमीटर का स्क्वायर, ये हो गया आपका ये, ठीक है। चलिए, और सर बायंसी फैक्टर निकाल लो जब आप एक्सटर्नल फ्लूड के कोरस्पोंडिंग, क्योंकि आपने एरिया कैसा लिया है, एक्सटर्नल एरिया लिया है, तो बायंसी फैक्टर भी एक्सटर्नल ड्रिलिंग फ्लूड के हिसाब से निकाल लो, मतलब सर ये क्या होता है, ये होता है सर आपका, ये होता है, मैं आप बता देता हूं, ये होता है सर आपका बायंसी फैक्टर एक्सटर्नल के हिसाब से, मीन 65.4 माइनस माइनस डेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल फ्लूड अपॉन 65.4, तो एक्सटर्नल फ्लूड के कोरस्पॉन्डिंग बायंसी जो आएगी वो एक्सटर्नल वाली ही आएगी, माइनस एरिया ऑफ इंटरनल डिलिस्टिंग, और बायंसी फैक्टर भी इंटरनल डिलिंग फ्लूड के कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि बी बायंसी फैक्टर इंटरनल 65.4 और माइनस डेंसिटी अपॉन इंटरनल वाली 65.4, ठीक है। अब सर इस इंटरनल एरिया कैसे निकालोगे, ये वाला, ये हो गया आपका पाई बाय 4 डी आई का स्क्वायर, ठीक है, डी मतलब इंटरनल डायमीटर कितना है, चलिए तो ये अपॉन में मान ले रहा हूं, अपॉन में हो गया एरिया माइनस एरिया इंटरनल, तो अब आप देखोगे जो यूनिट बनेगी इसकी, इसकी यूनिट कट जाएगी, तो जो ये इसकी यूनिट है वो इसकी यूनिट आएगी, और इसकी यूनिट क्या है, डायमेंशन लेस, इसकी भी डायमेंशन लेस बनेगी, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया, तो चाहे तो आप ये वाला याद रख लीजिए, इजी होगा, चाहे आप इसको ब्रेक कर लीजिए, इसको ब्रेक करके ये आ जाएगा, कैसे, इससे काटूंगा ये 1 डेंसिटी अपॉन एक्सटर्नल फ्लूड अपॉन डेंसिटी अपॉन स्टील, डेंसिटी अपॉन एक्सटर्नल डेंसिटी और डेंसिटी अपॉन स्टील, डेंसिटी ऑफ इंटरनल ड्रिलिंग फ्लूड और स्टील, ठीक है, एग्री हो क्या, ये वाली बात समझ में आ रही है, आई थिंक हो जाएगा। चलिए उसके बाद ये एक बढ़िया सी स्लाइड है जो आपको याद रखनी है, समझिएगा सर इसमें मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, मेरी बात समझिएगा, मैं दिखा रहा हूं सर मुझे अगर किसी भी ड्रिलिस्टिंग या ट्यूबिंग या केसिंग का मुझे एरिया निकालना है, ठीक, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं सर, देखिएगा पहला पॉइंट मेरा ये है कि सर ये आपका कोई एक पाइप है, इंटरनल डायमीटर ये रहा, एक्सटर्नल डायमीटर ये रहा, और ये आपका पाइप है, ये इंटरनल डायमीटर ये रहा और एक्सटर्नल डायमीटर ये रहा, ठीक है, तो ये हो गया आपका डी ओ आउटर डायमीटर, और ये हो गया आपका डी आई
इंटरनल डायमीटर, एग्री हो क्या? एग्री हो गया इस बात से? बिल्कुल सही है सर। अब मुझे निकालना है कि इसका एरिया क्या होता है, मान लो समझिएगा, तो मुझे अगर एरिया निकालना है वो कैसे निकलेगा सर? देखो मुझे निकालना है क्रॉस सेक्शनल एरिया। सर क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब समझा रही सर, ये जो लोहे वाला एरिया है ना, ये वाला निकालना है मुझे, सिर्फ स्टील स्टील का एरिया निकालना है। सर वो कैसे निकलेगा? सर वो तो ऐसे निकलता है ना, पाए बाय फोर आउटर डायमीटर स्क्वायर माइनस इंटरनल डायमीटर स्क्वायर। आप कहोगे सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं, भैया अगर मुझे किसी ऐसे का एरिया निकालना होता तो मैं क्या करता, इस पूरे का निकालना होता तो मैं निकाल देता पाई बाय फोर इस डी का डायमीटर का स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे? मुझे निकालना है इसमें से ये जो अंदर वाला है ये माइनस करना है, ये अंदर वाला एरिया, ये अंदर वाला एरिया माइनस करना है, तो मुझे ये एरिया चाहिए बस, तो मैं इसमें से माइनस क्या करूंगा पाई बाय फोर, ये आउटर था तो ये हो गया डी इंटरनल का स्क्वायर, तो ठीक ठाक से अरेंज करके लिखूंगा तो ऐसा बन जाएगा। एग्री हो? तो ये इस फॉर्मूले से जो एरिया आया है वो सिर्फ ये आया है, इस लोहे का एरिया, इस पाइप के सिर्फ लोहे का एरिया, जो अंदर से जो होलो है उसका एरिया नहीं इसमें आया है। एग्री है? इसको बोलते हैं हम पाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया, बोला जाता है। तो सर अगर मुझे डायरेक्ट निकालने को लिए बोल दिया जाए तो क्या मैं इसको थोड़ा सोल्व करके डायरेक्ट निकाल सकता हूं क्या? सर समझाने, डायरेक्ट मतलब सर अगर आपको एक्सटर्नल डायमीटर दे दिया, इंटरनल डायमीटर दे दिया, तो आप एरिया इससे निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सर अगर आपको थिकनेस दे दी तो उस थिकनेस की हेल्प से आप क्या दूसरा एरिया निकालोगे कैसे? सर बताओ मैं समझा रही। सर ये आपका एक पाइप है, ठीक है, इसका आउटर डायमीटर ये रहा डी ओ, इंटरनल डायमीटर ये रहा डी आई, और इसमें टी थिकनेस एक ये रही, टी थिकनेस एक ये रही, तो इसका मतलब ये हुआ सर एक्सटर्नल एरिया इक्वल टू इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर इक्वल टू इंटरनल डायमीटर प्लस टी प्लस टी, इसका मतलब सर डी आउटर डायमीटर इक्वल टू डी इंटरनल प्लस टू टी। अगर मुझे थिकनेस निकालनी हो तो टी इक्वल टू हो गया एक्सटर्नल डायमीटर माइनस इंटरनल डायमीटर बाय टू। एग्री हो भैया? एग्री हो? ठीक है, मतलब सर मुझे अगर थिकनेस निकालनी हो तो इसमें से ये माइनस करूंगा और इससे डबल थिकनेस निकल जाएगी, कुछ ये और फिर दो से डिवाइड कर दूंगा तो ये निकल के आ जाएगी एक तरफ वाली। एग्री है? ठीक है, तो सर मैं ये भी करके निकाल सकता हूं अगर मुझे थिकनेस दी है, लेकिन मैं इसका एक शॉर्टकट बना देता हूं तुम्हारे लिए जो कि इजी रहेगा। सर एरिया इक्वल टू होता है पाई बाय फोर, और ये हो गया आपका, अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूं, डी ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया डी ओ प्लस डी आई। एग्री है? ठीक है, तो ए इक्वल टू हो गया पाई फाइव बाय फोर, इसको मैं बोल सकता हूं सर, इसको मैं बोल सकता हूं ये याद रखना फॉर्मूला, हमेशा याद रखना, अगर मैं इसको चाहूं तो ये बोल सकता हूं डी एक्सटर्नल माइनस डी इंटरनल बाय इक्वल टू टू टी, तो इसको मैं बोल देता हूं यहां पे टू टी, और ये हो गया आपका एग्री। एग्री हो? इससे ये कटा तो एरिया इक्वल टू हो गया पाई बाय टू इंटू टी, और यहां पे डी आउटर ये है ही, प्लस अगर मैं इंटरनल को ब्रेक करना चाहूं, इंटरनल को क्या लिख सकता हूं आउटर माइनस टू टी, ये हो गया आपका आउटर माइनस टू टी। एग्री? और यहां पे एरिया इक्वल टू हो गया पाई बाय टू और ये टी, और ये हो गया आपका टू आउटर डायमीटर माइनस टू टी, टू से टू कॉमन लेके मैंने इसको कट कर दिया, एरिया इक्वल टू हो गया पाई टी आउटर डायमीटर माइनस टी। तो मेरे पास एक शॉर्टकट मिल गया मुझे, अगर मुझे आउटर डायमीटर पता है और थिकनेस पता है तो आई विल गेट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल पाइप, मतलब सिर्फ इसका, ये बार बार बोल रहा हूं ये क्या मतलब है इसका, एरिया सिर्फ इसका, इसका नहीं, सिर्फ ओनली इसका, इस लोहे वाले पार्ट का। ठीक है, चलिए, तो ये वाला फॉर्मूला मतलब सर आपका एरिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं, सर थिकनेस निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला सभी को याद है ही, और इसी का ही ये दूसरा फॉर्म है, जो इससे आंसर आया वो इससे आंसर आया। सर मुझे एक बात और बता दीजिएगा, इसकी यूनिट सर इंच, थिकनेस की यूनिट इंच मान लो, आउटर डायमीटर की यूनिट इंच, इसकी यूनिट इंच, तो इसका एरिया का यूनिट मान लो फिलहाल के लिए इंच स्क्वायर। एग्री है? ठीक है, एग्री है। तो सर अगर मुझे किसी पाइप का एरिया निकालना हो तो मैं ये ले लूंगा सर, अगर मुझे किसी पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया तो मुझे पता है,
लेकिन अगर मुझे किसी पाइप का लीनियर वेट निकालना हो, सर लीनियर वेट मतलब सर लीनियर वेट ये होता है, आप समझिएगा, लीनियर वेट ये होता है, ये कोई पाइप है आपका, इस पाइप के मान लो ये है आपका 50 फीट पाइप और इसका वेट जो है वो 100 पाउंड है, तो मतलब एक यानी कि 50 फीट पाइप का 100 पाउंड वेट है, इसका मतलब 1 फीट पाइप का कितना वेट होगा, कितना वेट होगा भैया, वो होगा आपका 2 पाउंड। तो इसका मतलब 2 पाउंड वेट ही इसका लीनियर वेट है, लीनियर वेट है, ठीक है। लीनियर वेट मतलब सर यानी कि एक फिट पाइप का जितना भी वेट होता है वही उसका लीनियर वेट होता है, ठीक है। तो मुझे लीनियर वेट निकालने के लिए क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि एक फिट पाइप का कितना वेट बन रहा है, तो यही लीनियर वेट है, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ रही है। सर लीनियर वेट कैलकुलेट किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। सर कैसे? सर मुझे पता है वेट यानी कि मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि मुझे पता है डेंसिटी इक्वल टू एम अपॉन वी, और मुझे एम चाहिए तो डेंसिटी इंटू वी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। एग्री है क्या? बिल्कुल है सर। सर मुझे चाहिए लीनियर वेट, तो जो वॉल्यूम होगा वो एक फिट पाइप का होगा, एक फिट पाइप मतलब सर एरिया, और उसका जो हाइट लूंगा वो एच जो है वो 1 फिट होगा, तब क्योंकि तभी तो मैं इसको लीनियर वेट लिखना चाह रहा हूं, लीनियर वेट लिखना चाह रहा हूं। एग्री हो? ठीक है, तो एच हो जाएगा 1 फिट, ठीक है। मान लो कोई भी एक पाइप है मेरे पास, इसका एक्सटर्नल डायमीटर ये रहा, इंटरनल डायमीटर ये रहा, तो उसका लीनियर वेट मतलब सिर्फ एक फिट का, एक फिट का वेट, ठीक है, ही लीनियर वेट होगा। इतनी बात समझ में आ रही है सर मेरे? ठीक है। तो सर अब मुझे एक चीज और बताइएगा थोड़ी सी, क्या बताना सर मुझे कि सर डेंसिटी ऑफ स्टील क्या होता है, लीनियर वेट ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टील क्या होता है सर? मुझे पता है, मुझे पता है सर 489.9, ठीक है, और यूनिट है इसकी पाउंड पर फीट क्यूब, अभी निकाली थी, अभी तुम कहोगे सर ये तो नहीं निकाली, निकाली थी भाई, बिल्कुल निकाली, झूठ मत बोलिएगा। 65.4 पाउंड पर गैलन तो पता है, उसको कन्वर्ट कर लो पाउंड पर फीट क्यूब में, अभी निकलवाया भी था, ठीक है। 489 मल्टीप्लाई सर एरिया, मुझे पता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो मुझे है वो मुझे पता है पाई टी इक्वल टू आउटर डायमीटर माइनस टी, ठीक है, और जो हाइट है वो एक फिट ले रहा हूं मैं आज, क्योंकि मुझे एक लीनियर वेट निकालना है, सारे का तो निकालना नहीं है, पूरे पाइप का तो नहीं निकालना, एक फिट का निकालना है। तो ये हो गया आपका लीनियर वेट के, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी भैया? इसकी यूनिट है इंच स्क्वायर सर, इंच स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या है? 1 फिट। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे लीनियर वेट निकालना है तो वो तो आएगा, उसकी यूनिट क्या होगी? उसकी यूनिट होगी पाउंड, पाउंड पर फिट, एक फिट का कितना वेट है। तो सर मुझे कहीं ना कहीं इस फिट क्यूब को इस तरह ब्रेक करना होगा कि इस फिट क्यूब को इस तरह ब्रेक करना होगा, इंच स्क्वायर में 2 को इंच स्क्वायर में ब्रेक कर लो और मल्टीप्लाई, छोड़ो इसको ऐसे मत करो, ये हो गया आपका क्या? फिट क्यूब। अब ये इंच स्क्वायर में है, इस इंच स्क्वायर को कन्वर्ट कर लो फिट स्क्वायर में, तो मैंने 12-12 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया आज? ये बन गया भैया आपका फिट स्क्वायर। तो इससे ये दो पावर कट रही है, इससे एक पावर कट रही है, तो आपका आंसर जो आ रहा है लिनियर वेट वो आ रहा है मेरे भाई, मल्टीप्लाई करके देखो वो आ रहा है 10.68 टी आउटर डायमीटर माइनस टी, ये आ रहा है। और यूनिट क्या बनेगी इसकी? पाउंड। और पर फिट भी बोल सकता हूं क्या? हाँ, लिनियर वेट है, पर फिट यानी कि एक फिट का वेट इतना बन रहा है। एग्री है? एक फिट का वेट इतना बन रहा है। तो ये फॉर्मूला तो आपका हो गया लीनियर वेट का। सर एरिया का क्या था? वो हो गया सर पाई टी डी माइनस टी। सर ये दो एरिया बन, दो फॉर्मूले मुझे रटने हैं क्या? बिल्कुल रटने हैं। सर ये सेम से हैं क्या? बिल्कुल सेम से हैं। सर फर्क कहाँ है? सिर्फ इसका फर्क है, सिर्फ इसका फर्क है। यहाँ पाई टी है, वहां 10.68 पाई टी है। इसकी यूनिट जो बनेगी वो इंच स्क्वायर बनेगी, इसकी यूनिट बनेगी पाउंड पर फिट बनेगी। एग्री है? तो वो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला तुम लोगों के लिए लिख भी दिया। एग्री है? तुम आप लोगों के ये फॉर्मूले याद करने हैं और यूज भी करने हैं, और यूज कराऊंगा भी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है। सर थोड़ा सा बकवास कर लेते हैं, क्या है? पावर सिस्टम के बारे में देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। सर पावर सिस्टम देखिए, जो आपका थोड़ी थ्योरी है जल्दी से निकल जाते हैं। सर जो भी आपका पावर सिस्टम का मतलब ये होता है, जहां भी जो भी आपके रिग में पावर यूज हो रही है और जो सिस्टम उसको दे रहे हैं पावर्स को,
जो भी रिग में पावर यूज हो रही है उसको कोई तो पावर दे रहा होगा, तो जो भी दे रहा है वो पावर सिस्टम है। वो किस किस को देता है? वो भैया मैंने बताया था आपको, रोटरी सिस्टम को देता है, सर्कुलेशन सिस्टम में देता है, होस्टिंग सिस्टम में देता है, और यही तीन तीन जगह सबसे ज़्यादा पावर यूज भी होती है, ठीक है। और दूसरा ये पावर मिलती है पावर सिस्टम से। अब पावर सिस्टम होती है दो तरीके की, या तो आपका मैकेनिकल पावर सिस्टम हो या इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम हो। अब मैकेनिकल पावर सिस्टम क्या है, ये सारे लाइने पढ़ लेना जो मैं बोल रहा हूँ, वही लिखी हुई जो बोल रहा हूँ। मैकेनिकल पावर सिस्टम क्या है कि मान लो ये आपकी कोई रिग है ना, ये आपकी कोई रिग है, और अब आपका क्या हो रहा है, आपने डीजल इंजन यूज किया। देखिए कहीं पे भी आप जो रिमोट एरिया पे आप ड्रिलिंग कर रहे हैं वहां पे लाइन हो, पावर सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ऐसा पॉसिबल हमेशा नहीं है। तो हमेशा रिग, और दूसरा अगर होगा भी तो वहां पावर चाहिए होगी ज्यादा, तो कई बार परमिशन नहीं मिलती, या हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर डीजल इंजन यूज करते हैं। डीजल इंजन मतलब सर डीजल डालो, उसमें मोटर को घुमाओ, ठीक है, और इस मोटर की जो रोटेशनल एनर्जी है इसको पट्टा लगा के, चैन लगा के जहां चाहो वहां ट्रांसफर कर लो, ठीक है, रोटेट करवा लो, होस्टिंग करवा लो। तो अब इसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन, कि आपने चैन लगाई, ठीक है, चैन लगाई, सॉकेट लगाया वगैरह वगैरह, टर्न कर दी पावर को यहां से यहां तक, एग्री, बीच में कंट्रोलर लगा दी, जो भी आपको लगाना है। सर अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं, इलेक्ट्रिकल में क्या है, डीजल इंजन यहां भी है लेकिन जो रोटेशनल एनर्जी लग रही, घूम रही है ना, इसको मैंने रोटेशनल एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया एक जनरेटर से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को मैंने कंट्रोल कर लिया एक पावर पैनल में, एक पैनल में, ठीक है, जहां से स्विचेस वगैरह होंगे। अब उसी स्विचेस से कंट्रोल कर लिया सर्कुलेशन सिस्टम, रोटर सिस्टम और होस्टिंग सिस्टम। तो सिंपल सी बात यह है सर कि अगर आप डीजल इंजन दोनों जगह यूज होगा, डीजल इंजन में डीजल भी यूज होगा, डीजल खर्च भी होगा भाई, खर्च होगा, लेकिन उससे जो रोटेशनल एनर्जी बनेगी उस रोटेशनल एनर्जी को डायरेक्ट आपने रोटरी टेबल में कनेक्ट कर दिया, तो और जो मोटर घूम रहा है उसी के चैन लगा के रोटरी टेबल घुमा रहे हो, तो ये तो हो गया आपका मैकेनिकल सिस्टम। अगर आप इससे पहले इसके इस मोटर के बाद डायनामो लगा दोगे, वो डायनामो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, ठीक है, इस मोटर की रोटेशनल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेंगे। जैसे बचपन में नहीं होता था क्या, ऐसे मोटर घुमाते थे, पीछे बल्ब जल जाता था, एलईडी लगाते थे बचपन में, ऐसे करते थे, तो वही इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर लेंगे। तो यही हो गया इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम और मैकेनिकल पावर सिस्टम का डिफरेंस, अदरवाइज दोनों के दोनों में डीजल इंजन यूज होगा। एक में जो रोटेशनल एनर्जी है डायरेक्ट आपने यूज कर ली पट्टा पुट्टा लगा के, चैन वैन लगा के, जैसे साइकिल में यूज होता है, आप पैडल मार रहे हो, आपने चैन कनेक्ट कर दी पिछले वाले व्हील से, पैडल घुमा रहे हो, कनेक्ट हो रहा है, तो ये मैकेनिकल ट्रांसमिशन हो गया, समझ रहे हो ना, मैकेनिकल ट्रांसमिशन हो गया। और अगर मैं अपने पैंडल से एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करूं घुमा के, और वो इलेक्ट्रिसिटी फिर यूज करूं पिछले वाले पहिए में, वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन हो गया, समझ रहे। चलिए ये सारी बातें यहां पे भी लिखी हुई है सर, मैंने क्या लिखी हुई है, और भी कुछ है क्या, हाँ पढ़ लेना आप बिल्कुल सर। जर मैकेनिकल रिग वाला जो है ये मतलब एक तरीके से टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है, टाइम मोर पावर कंज्यूमिंग है, और सर जितना ज्यादा आप चैन वैन लगाओगे उतना ज्यादा लॉसेस होगा, इसलिए मैकेनिकल ट्रांसमिशन ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, उसमें लॉसेस ज्यादा होते हैं। आप देखोगे मैकेनिकल रिग में क्या है, पावर इज ट्रांसमिट टू ड्रो वर्क्स फ्रॉम डीजल इंजन थ्रू ए टॉर्क कन्वर्टर, मतलब जो भी आप डीजल इंजन से आप जो रोटेशनल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, ये डायरेक्ट आपने होस्टिंग सिस्टम को दे दी, रोटरी सिस्टम को दे दी और दूसरे सिस्टम को दे दी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टॉर्क कन्वर्टर, ठीक है, पट्टे लगाए, चैन लगाए, ये घूम रहा है, वो भी घूम रहा है, बात खत्म। सर ये थोड़ा चीपेस्ट तो है लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है, और सर जितने ज्यादा आप जोड़ लगाओगे, कन्वर्टर लगाओगे, उतना ही लॉसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन में होगा, यहां से वहां जाते हो, यहां से चलेगी 10 पहुंचेगी 5, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है सर, इसमें अलाइनमेंट प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, यहां से आपने गियर्स लगाए, ये इसको घूम रहा है, इधर अलाइनमेंट बिगड़ा, वो घुमा ही नहीं रहा है इसको, ट्रांसमिशन चैन में क्या प्रॉब्लम होगा, रिपेयर होगा, टाइम लगेगा, खराब होगा, और जो हॉर्स पावर रिक्वायर्ड है वो लेस इफिशियंसी होगी, मोर फ्यूल कंजम्पशन होगा, क्यों, आप डीजल आपका फूक रहा है, खर्च हो रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी का नहीं हो पा रहा ढंग से, तो इसीलिए मैकेनिकल रिग इज लेस एडवांटेजियस, ठीक है। लेकिन सर अगर मैं बात करूं और थोड़ी सी पावर की, सर मतलब पावर रिग की, जो आपकी कौन सी होती है, इलेक्ट्रिकल वाली होती है,
इसने बोला मोस्ट ड्रिलिंग रिग आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट इन रिमोट लोकेशन वेयर पावर सप्लाई इज नॉट अवेलेबल, जहां पावर सप्लाई नहीं है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, डीजल इंजन वाला सिस्टम यूज कर लेंगे। अब डीजल इंजन दोनों में यूज होता है, चाहे मैकेनिकली उसकी एनर्जी को आगे भेज लो, चाहे इलेक्ट्रिकली उसकी एनर्जी को भेज लो, लेकिन डीजल इंजन तो लगेगा ही भैया, क्योंकि वो तो रोटेशनल एनर्जी बनाएगा ही बनाएगा। तो उसने बोला दे जनरेट द इलेक्ट्रिकल पावर विच इज यूज टू ऑपरेट द सिस्टम। यस, जो डीजल इंजन है उसी को हम लोग बोल देते हैं प्राइमरी सोर्स। लिखा है क्या कहीं, ये रहा प्राइम सोर्स, प्राइम मूवर जिसको बोलते हैं। तो अब मेरा पॉइंट ये है सर कि जो आप लोगों ने यहां पे, जो आप लोगों ने यहां पे डीजल डाल के डीजल इंजन से रोटेशनल एनर्जी ली है, रोटेशनल एनर्जी ली है, उस एनर्जी को अगर आप मैकेनिकली ट्रांसफर कर रहे हो तो उससे काफी लॉसेस होने वाले हैं, जिसको हम लोग मैकेनिकल ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। और वो कैसे होता है, इसी पे ही आपने गियर्स लगा दिए, ये घूमेगा गियर्स घूमेगा, और टॉर्क और आरपीएम को कंट्रोल करके आपने ट्रांसमिशन कर लिया अपनी एनर्जी का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। दूसरा, अगर आप इससे इलेक्ट्रिसिटी बना लोगे, यहाँ पे कनेक्ट कर लोगे डायनमो, इससे ये डायनमो घूमेगा, इस डीजल इंजन से डायनमो घूमेगा, इस डायनमो से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, उसको आप सेंड कर लोगे अलग अलग सिस्टम में, वो होस्टिंग रोटरी और सर्कुलेशन सिस्टम हो सकता है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि सर आपकी काफी एनर्जी नहीं बन पा रही है, तो उस केस में आप जो ये आपका डीजल इंजन है इसको हम लोग प्राइम मूवर भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही मूव करता है, यही आपका प्राइम मूवर है, यही आपका प्राइम मूवमेंट होगा, सबसे पहले यही मूवमेंट होगा। तो ये 4, 5, 6, 7 ले लो, फिर इलेक्ट्रिसिटी बना लो और आप अपनी एनर्जी को यूज कर लो। तो ये 4, 5, 6 लगा सकते हैं, इनफैक्ट 4 प्राइम मूवर तक हम लोग चीजें ले सकते हैं। यहां साफ साफ बोला गया है दे जनरेट द इलेक्ट्रिक पावर विच इज यूज टू ऑपरेट द सिस्टम, वो भी डिफरेंट सिस्टम। बात समझ रहे हैं, ठीक है। कौन सर, दे मतलब कौन है, वो प्राइम मूवर है, वो जनरेट करेंगे डायनमो के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक पावर जो डिफरेंट सिस्टम में यूज हो सकती है। दूसरा सर, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट आर ड्राइवन बाय डीजल पावर इंटरनल कंबस्टर इंजन। जो इलेक्ट्रिक पावर वो कैसे जनरेट होगी, वो होगी सर डीजल पावर, डीजल इंजन से, जो कि इंटरनल कंबस्टर इंजन होगा, डीजल डाला, पिस्टन घूम रहा है, इंटरनल पावर यूज हो रही है, उसी को प्राइम मूवर भी बोलते हैं। इसी को मैंने बोला कि वही प्राइम मूवर है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी आपके ड्रॉबॉक्स में भेजी जा सकती है, जिसको मैं होस्टिंग सिस्टम बोलता हूं, और यही रोटरी टेबल में भेजी जा सकती है, जिसको मैं रोटरी सिस्टम बोल सकता हूं, और यही मड पंप में जाती है, जिसको मैं सर्कुलेशन सिस्टम बोलता हूं। एग्री है क्या, ठीक है। द रिग हैव डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज कैपेसिटी, और जितनी डेप्थ तक मुझे ड्रिल करना है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने प्राइम मूवर बढ़ा घटा सकता हूं, 2 ले लो 4 ले लो 4 तक लिए जा सकते हैं, ठीक है सर, ठीक है। उसने साफ साफ ये बोला सर, नाउ इंटरनल कंबस्टन इंजन एनर्जी टाइप, जो आपकी इंटरनल कंबस्टन इंजन से एनर्जी बनती है वो दो तरीके से ट्रांसमिशन हो सकती है, या तो आप डायरेक्ट ड्राइव कर लो गियर्स के थ्रू, कहां तक, इन तक, जो मेन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको मैकेनिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं, या फिर डीजल इंजन से इलेक्ट्रिसिटी टाइप बना लो, जिससे फिर इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से इनको चला सकते हो, ये आपका इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन है। एग्री है भैया, चलिए। अब सर पावर सिस्टम के कुछ फॉर्मूले हैं, सर पावर सिस्टम के कुछ फॉर्मूले हैं, मतलब सर अब मुझे कोई चीज घुमानी है, उसको घुमाने में कितना मुझे पावर मिल रहा है और कितना डीजल में ऑयल खर्च हो रहा है वो मुझे निकालना है। तो मुझे आउटपुट पावर, जो मुझे टॉर्क, जो मेरा डीजल इंजन, मान लो ये आपका डीजल इंजन है और दिस इज ए वन काइंड ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन, इससे मेरी जो शाफ्ट घूम रही है ये वाली, इसका कितना टॉर्क है और कितना आरपीएम है, ये मुझे पता करके मुझे मिल जाएगी कितनी मुझे पावर मिल रही है, ठीक है। और जो मैं इसमें माल डाल रहा हूं वो डाल रहा हूं डीजल, और उसके डीजल के फूकने की स्पीड, खर्च होने की स्पीड से मुझे पता चल जाएगा कि मैंने इसको इंटरनल पावर कितनी दे दी और कितनी खर्च कर ली और इसकी इफिशियंसी क्या है। एग्री है क्या। तो अब मुझे सबसे पहले सर इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, इफिशियंसी का मतलब यह है कि मैंने कितना माल खाया और कितना आउटपुट दिया, तो उसी का रेशियो है इफिशियंसी। मैंने माल तो खाया 20 रुपए का, काम भी मैंने किया 20 रुपए का, तो मेरी इफिशियंसी हुई 100%, यानी कि फ्रैक्शन में हुई 1। मैंने माल खाया 20 रुपए का, काम मैंने किया 15 रुपए का,
तो जो मेरी इफिशियंसी हुई वो हुई लेस देन 100%, तो काम नहीं किया भाई, पांच का काम कहाँ है। तो इसका मतलब 15/20 ये हो गया आपका कहीं ना कहीं 3/4, यानी कि ये हो गया 75% इफिशियंसी, यानी कि 0.75 फ्रैक्शन में इफिशियंसी, यानी कि 75% इफिशियंसी। एग्री? तो इसका मतलब ये इफिशियंसी मुझे निकालनी है। अरे इफिशियंसी तो मैं निकाल लूंगा, कुछ नहीं, कैसे करके, आउटपुट अपॉन इनपुट करके निकाल लूंगा इफिशियंसी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर मुझे आउटपुट का फॉर्मूला और इनपुट का फॉर्मूला तो बता दो। ठीक है, वो बता देता हूं, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है यार, वो मैं बता के चलता हूं। चलिए, तो देखिए, अगर मुझे कोई भी चीज मैं रोटेट कर रहा हूं, ये आपका इंजन है और ये आपकी शाफ्ट है, ये रोटेट हो रही है, तो इसका टॉर्क कितना है, इसका टॉर्क कितना है, और मेरा जो रोटेशनल वेलोसिटी है, जिसको मैं एंगुलर वेलोसिटी बोलता हूं, वो कितनी है, वो इतनी है। तो यही है मेरा पी आउटपुट, यही है मेरा पी आउटपुट। सर मतलब पी आउटपुट तो समझाने में, अभी समझाता हूं दोस्त, बस एक बात मेरे ध्यान रखिएगा, पी आउटपुट सर ये क्या होता है, टॉर्क क्या होता है सर, टॉर्क की यूनिट तो सर ये होती है ना, टो इंटू एफ इंटू डी, मैंने बचपन में पढ़ा था सर, एफ हो गया आपका न्यूटन, डी हो गया आपका मीटर, तो टॉर्क की यूनिट होगी न्यूटन मीटर, टॉर्क की यूनिट होगी मेरे भाई न्यूटन मीटर। और सर ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ये वाली वेलोसिटी नहीं, लीनियर वेलोसिटी नहीं, ये घूमने वाली वेलोसिटी, जिसको मैं ओमेगा से डिनोट करता हूं। लीनियर वेलोसिटी तो वी से डिनोट होती थी, तो मैं जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट कर रहा हूं, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, रेडियन पर मिनट, रेडियन पर मिनट। तो मैं यहां लिखना चाहूं तो मैं यहां लिख सकता हूं रेडियन पर मिनट। तो ये इसका फॉर्मूला बन रहा है पी आउटपुट का। अब आप कहेंगे सर आउटपुट का फॉर्मूला ऐसा उल जलूल तो मैंने कभी देखा नहीं है, आउटपुट मतलब पावर का फॉर्मूला तो मैंने देखा है, हॉर्स पावर में देखा है, न्यूटन मीटर पर मिनट में देखा है, ये सिस्टम सा नहीं बन रहा। चलिए भाई सिस्टम बनाते हैं आपका। मान लो ओमेगा को मैं ब्रेक कर लेता हूं, ओमेगा को मैं ब्रेक कर लेता हूं 2πn, ओमेगा को ब्रेक कर लेता हूं 2πn में, तो जो P आउटपुट है आपका वो आज हो गया है टो इंटू 2πn, और टॉर्क की यूनिट हो गई है न्यूटन मीटर, और 2π की कोई यूनिट नहीं है, और n की यूनिट है, n मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन इन पर मिनट, तो ये हो गया आपका 1/मिनट। तो सर अब आपकी ये यूनिट बन गई है न्यूटन मीटर पर मिनट। तो न्यूटन मीटर क्या होता है सर, न्यूटन मीटर क्या होता है सर, मुझे बताओ एक बार, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, वर्क डन की यूनिट, वर्क डन होता है सर कितना आपने काम कर लिया और कितनी दूर तक कर लिया, कितना आपने सामान उठाया, कितना आपने दूर तक उसको लेके गए, एफ इंटू डी, ठीक है, यही होता है, एफ इंटू डी वाला होता है। तो ये हो गया आपका जूल और अपॉन मिनट, तो काम अपॉन टाइम इक्वल टू पावर, यही तो होता है पावर, ठीक है। इसलिए मैं बोलूंगा कि एक लेक्चर यूनिट कन्वर्जन का है, वो आप सबसे पहले देख लीजिएगा, ठीक है, एक लेक्चर यूनिट कन्वर्जन का मैंने दिया है, वो सबसे पहले देख लीजिएगा, उसको मैं काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने वो लेक्चर देखा हुआ है। और वो लेक्चर यही नहीं ड्रिलिंग में ही काम आएगा, वो प्रोडक्शन रिजर्वर हर एक सब्जेक्ट में काम आएगा, इसलिए उसको जरूर देखना है भैया, ठीक है। चलिए, तो अब सर मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि ये हो गया आपका, यही हो गया आपका जूल पर मिनट, और जूल पर मिनट को मैं लिख सकता हूं जूल पर सेकेंड कन्वर्ट करके, और यही होता है आपका, ये होता है क्या, हॉर्स पावर, ये होता है हॉर्स पावर, या यही होता है आपका एक पावर का फॉर्मूला। मतलब काम सब करते हैं, लेकिन पर यूनिट टाइम में कौन ज्यादा काम कर रहा है, वही तो उसकी पावर हुई। चलिए, तो कहने का मतलब सर ये हुआ कि जो टो है उसका यूनिट ये बन गया, और जो ओमेगा को मैंने ब्रेक कर लिया ये बन गया, तो कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला बना, क्या ये एक फॉर्मूला ही है क्या, हाँ, क्या ये फॉर्मूला ही है क्या, यस। तो मैंने यहां पर लिख दिया P आउटपुट पावर का फॉर्मूला इक्वल टू ओमेगा टो, ओमेगा को ब्रेक कर दिया 2πn, एफ टो को ब्रेक कर दिया न्यूटन इनटू डी, डी डिस्टेंस और आर, तो ये एक फॉर्मूला बन गया आपका आउटपुट पावर का, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा मैं, अभी देखते जाना मेरे भाई, ठीक है, देखते जाना, समझ रहे हो। अब देखिए, जो पावर है उसकी यूनिट होगी हॉर्स पावर, या उसको अगर मैं डिटेल में लिखना चाहूं तो वो होगी आपकी न्यूटन मीटर पर मिनट, न्यूटन मीटर पर मिनट या सेकंड टाइम की यूनिट होनी चाहिए। 2πn ये होता है इक्वल टू ओमेगा के,
इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं शाफ्ट की, या इंजन स्पीड रेडियन पर मिनट इसकी यूनिट होती है, ठीक है। टो आउटपुट टॉर्क हो गया, जिसको हम न्यूटन मीटर बोल सकते हैं या फिर पाउंड फिट बोल सकते हैं। अगर मैं न्यूटन मीटर बोलूंगा तो ये हो गया आपका एमकेएस यूनिट और ये हो गया आपका एफपीएस यूनिट। न्यूटन को मैंने लिख दिया फोर्स में पाउंड और मीटर को लिख दिया फिट में, तो ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एन हो गया आपका रिवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट। अगर मैं इसको एन की यूनिट लिखना चाहूं वो हो गया आपका रोटेशन पर मिनट या रिवोल्यूशन पर मिनट, और इस पूरे की यूनिट लिखना चाहूं वो हो गया आपकी रेडियन पर मिनट, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो अगर आपको गेट में क्वेश्चन में रेडियन पर मिनट गिवन है तो इसका मतलब आपको ओमेगा गिवन है। अब आपको 2πn मत ब्रेक करना, ठीक है। कभी आप 2πn और n की जगह पे लिख दो जो उसने वैल्यू दी है, उसने 2πn को मिला के ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, क्योंकि उसने यूनिट इस क्वेश्चन में रेडियन पर मिनट गिवन है, ठीक है। ये तो आपको गिवन होगा ही, अगर आपको n गिवन है तो रोटेशनल पर मिनट गिवन होगा, तो आपको 2πn से भी मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके ओमेगा बनेगा। ये मैं कहना चाह रहा हूं, यहां गलतियां होती हैं। चलिए, ये वाली बात समझ में आ रही है। लेकिन अब आप इनपुट का भी देखें, न्यूमेरिकल कराऊंगा इतना समझ में आ जाएगा। अब आप इनपुट का भी देखें, सर आउटपुट का तो देख लिया आपने, सर इनपुट पावर कैसे निकालते हैं? इनपुट निकालते हैं भैया कि कितना डीजल वो खा रहा है पर किलो में, पर वेट में, और उस डीजल की हीटिंग वैल्यू क्या है, उस डीजल की हीटिंग वैल्यू क्या है। तो सर मैंने एक बात समझ में आई, मेरी एक बात मेरी समझ में आ रही है कि सर Q मतलब इनपुट पावर इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूड जो हम लोग डाल रहे हैं, डीजल हो सकता है, गैसोलीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय हीटिंग वैल्यू। तो जो मैं डीजल डाल रहा हूं वो मान लो मैंने डाल दिया पाउंड पर मिनट, मतलब एक मिनट में इतना पाउंड डीजल वो खा रहा है ना। और जो हीटिंग वैल्यू होती है उसकी यूनिट होती है, उसकी ये हो गया आपका एच हीटिंग वैल्यू, उसकी यूनिट होती है, मैं आपको यूनिट दिखाता हूँ उसकी यूनिट क्या होती है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये हो गया हीटिंग वैल्यू, हो गया आपका ये रहा आउटपुट टॉर्क, हाँ BTU पर पाउंड, मतलब एक पाउंड डीजल की कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, तो वो हो गया आपका, उसकी यूनिट होगी आपकी BTU पर पाउंड, ठीक है। तो इससे पाउंड से पाउंड कट गया, तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है मेरा कि BTU से पर BTU पर मिनट, यानी कि इतनी हीट मुझे मिल रही है एक मिनट में। अब अगर यार इसको BTU को मैं पाउंड फिट में कन्वर्ट कर लूं और मिनट मेरा नीचे है ही, तो क्या ये जस्ट ऐसा ही बन गया क्या न्यूटन मीटर पर मिनट, क्या ये ऐसा ही बन गया क्या? ये भी मान लो हॉर्स पावर में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये भी हॉर्स पावर में कन्वर्ट किया जा सकता होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर होचपोच हो गया, सर अब एक दो न्यूमेरिकल आप देखिएगा एकदम आपका चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले आप सिर्फ दो चीज समझिएगा कि आपको ये दो डेटा याद रखने हैं। पहला, अगर आपने कन्वर्जन वाली यूनिट पढ़ देख लिया लेक्चर, तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं है, ये आपको पता होगा ऑलरेडी। 1 horsepower इक्वल टू 3300 पाउंड फिट पर मिनट, याद रखिएगा। दूसरा, अगर मैं इसी को ही थोड़ा और ब्रेक करके लिखना चाहूं, तो इसमें इस मिनट को अगर मैं सेकंड में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं क्या, 60 से डिवाइड किया, ये हो गया आपका सेकंड, एग्री, इससे ये कट किया तो ये हो गया आपका 550 पाउंड फीट पर सेकंड। इसको जरूर लिख लीजिएगा, इसको जरूर लिख लीजिएगा जो मैं आने यहां पे आपको कन्वर्जन बताया है। तो अगर आपको ये यूनिट गिवन है पाउंड फिट पर मिनट में आपका आंसर आया है और आपको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है, तो यू हैव टू डिवाइड बाय 3300। अगर आपका यूनिट पाउंड फिट पर सेकंड में आया है और आपको हॉर्स पावर में चाहिए, तो यू हैव टू डिवाइड इनटू 550, ठीक है। इधर से इधर जाओगे डिवाइड होगा ना, इधर से इधर जाओगे मल्टीप्लाई होगा, एग्री हो, ठीक है, एग्री हो। सर अगर मुझे किसी भी तरीके से, अब आप बोलोगे सर मजा नहीं आ रहा है, क्यों सर इसका न्यूमेरिकल एक बार करा के दिखाता हूं, दो तीन न्यूमेरिकल करा देता हूं। सर मुझे बताओ कि मान लो मुझे क्यू आई भी मिल गया, इनपुट पावर कितनी है, सर पी आउटपुट भी मिल गया कितना है, तो क्या मुझे रेशियो मिल सकता है, इफिशियंसी मिल सकता है? यस, तो पी आउटपुट अपॉन क्यू इनपुट, ये
मेरा रेशियो है, फॉर्मूला है इफिशियंसी का, और पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट, और इसी को बोलता हूं मैं ओवरऑल पावर सिस्टम इफिशियंसी, क्योंकि पावर जनरेट ही इसी से हो रही है। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे। चलिए अब सर जो डेंसिटी होती है, क्योंकि मुझे डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। पड़ेगी क्या? देख लेंगे कहीं पड़ेगी तो। चलिए तो सर एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल है, उसको प्यार आराम से देखिएगा। ठीक है सर, बताइएगा मुझे सर, ए डीजल इंजन डेंसिटी 7.2 पीपीजी। प्लीज एक न्यूमेरिकल बहुत आराम से कराऊंगा, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। एक डीजल इंजन डेंसिटी है 7.2 पीपीजी, हीटिंग वैल्यू है इतना, एंड गिव्स एन आउटपुट टॉर्क इज इतना। मतलब टॉर्क मुझे दे दिया गया है, आप ध्यान समझिएगा, मतलब टॉर्क मेरे पास है, ठीक है, डेंसिटी मेरे पास है, हीटिंग वैल्यू मेरे पास है, ठीक है, और स्पीड मींस रोटेशन पर मिनट गिवन है, ना कि रेडियन पर मिनट। इट मींस रोटेशन पर मिनट है तो ये मतलब एन हुआ, ना कि ओमेगा। ओमेगा होता तो यूनिट क्या बोलता? रेडियन पर मिनट बोलता। ठीक है, इफ द फ्यूल कंजम्पशन रेट इज वॉज इतना, मतलब फ्यूल कंजम्पशन रेट मतलब सर वॉल्यूम दिया सर इसने, ये मतलब ये जो W है ना, वो जो W था ना सर, W तो आपका ये था कितना मास पर मिनट फ्लूड यूज हो रहा है, मास पर मिनट, लेकिन इसने वॉल्यूम पर मिनट दे दिया इस बार, तो कहीं ना कहीं मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी दे दी, तो चलो कर लेंगे, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वॉल्यूम पर मिनट दिया, व्हाट इज द आउटपुट पावर, यूनिट रही ये वाली, ये निकालना है, एंड ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ इंजन मतलब ई भी निकालना है। अब जब ई निकालना है और आपको आउटपुट पावर निकालना है, ठीक है, पी निकालना है, तो जब ई निकालना है तो कहीं ना कहीं क्यू भी निकालना ही होगा, क्योंकि ई तभी निकल पाएगा, तो पी तो निकालना ही है, अब ई निकालने के लिए क्यू भी निकालना ही होगा। तो बाकी के जो कन्वर्जन है वो उसने यहाँ पे मुझे दे रखे हैं, बाकी के कन्वर्जन उसने मुझे यहाँ पे दे रखे हैं। क्या 1 BTU इक्वल टू 779 पाउंड फिट, 1 horsepower, ये तो मैंने आपको बताया ही है, कितना पाउंड फिट, पाउंड फिट पर मिनट, वो मिनट उधर लिखा हुआ है, चलिए यही लिख देता हूं, एग्री। चलिए तो आंसर इसका कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ, और हालांकि यहां लिखा था मैंने, चलिए कोई बात नहीं, तो हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो सर मुझे पता है, बात समझिएगा कि सर मैं सबसे पहले पी आउटपुट निकाल लेता हूं, बात समझिएगा, आउटपुट है आपका 2πn, बस ये मेरे साथ चलते जाओ, 2πn इंटू 2, ठीक है, P आउटपुट है आपका 2 मुझे पता है, पाई 3.14 मुझे पता है, n मुझे गिवन है यहाँ पे कहीं ना कहीं, कितना गिवन है, 1200 आई थिंक गिवन है, क्या 1200 गिवन है, चलिए 1200 गिवन है ना, यूनिट क्या है पर मिनट, मतलब पर मिनट यानी कि यूनिट नीचे आ गई, पर मिनट यूनिट लिखते चले जाएंगे, टो की यूनिट गिवन है क्या, यस, टो कितना गिवन है, 1740 पाउंड फिट, 1740 पाउंड फिट, ये हो गया 1740 यूनिट हो गया आपका पाउंड और फिट। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मुझे बताइएगा क्या 2 × 3.14 × 1200 × हो गया 1740, है ना, ये बन गया मेरा, जो भी मेरा यहां फॉर्मूला बन के आया, ये यूनिट जो मेरी बन के आई, बात समझिएगा, वो आई पाउंड फिट पर मिनट। तो सर इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर लूं क्या? यस, तो हॉर्स पावर में कितना होता है सर पता है क्या आपको? यस, पाउंड फिट पर मिनट को अगर मुझे हॉर्स पावर में करना है तो डिवाइड बाय दिस करना पड़ेगा। सर ये कैसे पता चला? ये मेरे याद है, और सर ये तो उसमें गिवन भी है, कोई दिक्कत नहीं है, और गेट में मोस्ट ऑफ द टाइम कन्वर्जन गिवन होते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपको ज्यादा रटना पड़े, ये बात ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं उन लोगों को, आज बहुत बार ऐसा होता है कि चीजें गेट में गिवन रहेंगी, आपको याद नहीं रखना पड़ता। तो मैं इसको हॉर्स पावर में मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं 33,000 से, जिससे मेरा बन गया पी, जो आउटपुट है वो बन गया मेरा 397.35, और यूनिट मेरी बन गई है हॉर्स पावर। तो क्या मुझे आउटपुट निकालने में कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। सर क्यू इनपुट भी निकाल लें क्या? बिल्कुल निकाल लो सर, वो क्या है, वेट मल्टीप्लाई वेट ऑफ फ्यूल मल्टीप्लाई हीटिंग वैल्यू। सर वेट ऑफ फ्लूड तो गिवन ही नहीं है, वॉल्यूम गिवन है, तो कोई बात नहीं, वेट को मल्टीप्लाई कर लो कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूड कितना खर्च हो रहा है और डेंसिटी उसकी क्या है, और एच आपका गिवन है ही, तो क्या आपने इसको ब्रेक कर लिया इन दो टर्म्स में।
इस W को ब्रेक कर लिया रो इनटू V में, क्योंकि रो एक तो होता है M अपॉन V, और M को ब्रेक करना था रो इनटू V में। चलिए तो अब मुझे फ्लूड पता है क्या, जरा कन्वर्जन ध्यान से करते जाएंगे। फ्लूड पता है क्या कितना वॉल्यूम खर्च हो रहा है? सर 31.5 गैलन पर आवर खर्च हो रहा है, मतलब सर 31.5 गैलन, यूनिट ध्यान से देखेंगे भैया, तुम्हारे साथ साथ करता जाऊंगा, गैलन पर आवर खर्च हो रहा है। और जो डेंसिटी है वो है आपकी 7.2। डेंसिटी है किसकी? डीजल इंजन है, और डीजल इंजन की डेंसिटी यहां पे भी गिवन है क्या? यस, ये 7.2। तो क्या ये चार्ट आपको याद रखना है क्या? कभी भी नहीं याद रखना, कभी भी नहीं याद रखना, सब गेट में आपको गिवन रहेगा। डेटा याद नहीं करना होता गेट में, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात। हालांकि मैं तुमको बताऊंगा जहां रटना होगा वहां बताऊंगा, जहां बिल्कुल नहीं आएगा कभी भी वो बिल्कुल बता के चलूंगा, तो कभी याद नहीं करनी ऐसी चीजें। डेंसिटी कितनी है? 7.2। यूनिट क्या थी वहां पे? पीपीजी। पीपीजी मतलब पाउंड पर गैलन भैया। चलिए एच हीटिंग वैल्यू कितनी है, जरा दी है क्या? बिल्कुल दी है। कितनी? 1900। उस टेबल में भी 1900 ही थी। कितनी? 1900 है, चेक कर लेते हैं, 19,000 यूनिट BTU पर पाउंड। यूनिट है BTU पर पाउंड, ध्यान समझना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखना क्या क्या होगा यहां पे भैया, यहां पे पाउंड से पाउंड कट रहा है, ठीक है, गैलन से गैलन कट रहा है, ठीक है। मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है QI इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देता हूं तुम लोगों के सामने, तुम भी करो भैया, तुम्हारी कैलकुलेशन तेज हो जाएगी, वही काम आएगी गेट में, मैं बता रहा हूं, जो बोल दिया मैंने वो बोल दिया, वो कुछ सोच के ही बोल रहा हूं, ठीक है। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे 4309200। यूनिट है आपकी भैया जी, यूनिट है BTU पर आवर। अब मुझे एक बात बताओ, अब BTU पर आवर का तो कोई चक्कर है ही नहीं ना, मुझे जो कन्वर्जन पता है या तो मुझे वो कन्वर्जन पता है आपके मिनट में या सेकंड में पता है, तो इसीलिए सर आप इसको क्या करो, मिनट या सेकंड में कर लो, तो आप यहां से डिवाइड कर लो इसको, मिनट में कर लो, तो मैंने यहां पे कर लिया मिनट, तो एक घंटे में कितने मिनट? 60, है ना। और BTU को क्या लिख सकता हूं मैं, BTU को क्या लिख सकता हूं, बात समझिएगा, BTU को क्या लिख सकता हूं जरा देखिएगा, मैंने यहां पे BTU को लिखा है 1 BTU मतलब 779 पाउंड फिट, यानी कि 1 BTU मतलब 779, तो मैंने BTU की जगह लिख दिया 779 पाउंड फिट। तो क्या पाउंड फिट और मिनट ये आपकी कौन सी कन्वर्जन बन रहा है, क्या ये आपका कौन सा कन्वर्जन बन रहा है, जरा देखिएगा, ये आपका पाउंड फिट पर मिनट ये कन्वर्जन बन रहा है, तो इसको 33,000 से डिवाइड कर दो तो 1 हॉर्स पावर में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब अगर मैं इसको देखा जाए तो 33,000 से अगर डिवाइड कर दूं तो ये सारा का सारा ताम झाम हट जाएगा और यहाँ पे हॉर्स पावर लिखा जाएगा, और मुझे हॉर्स पावर आउटपुट भी हॉर्स पावर में है, इनपुट भी हॉर्स पावर में चाहिए, तभी तो रेशियो निकाल पाऊंगा, तभी तो ओवरऑल इफिशियंसी निकल पाएगी ही, ठीक है। तो चलिए इसको मैंने डिवाइड किया 60 से, इसको मैंने डिवाइड किया 33,000 से, बोला ये आपका वैल्यू आ जाएगा 6995.5 अप्रोक्स, ठीक है, 6995.6 मान लो, ठीक है, यूनिट मिल गया ये आपका HP। तो आप देख रहे हो कि इनपुट पावर इसका कितना है और आउटपुट पावर इसका कितना कम है, तो ये हो गया आपका आउटपुट पावर, ये हो गया आपका इनपुट पावर, और अगर मैं ओवरऑल इफिशियंसी की बात करूं तो पी आउटपुट अपॉन क्यू इनपुट, ये फॉर्मूला हुआ, पी आउटपुट हुआ 397.35 और आउटपुट कितना हुआ 1695.6 हॉर्स पावर, तो अब मैं इसको करता हूं तो ये बन गया लगभग 23%, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि 23% ही इफिशियंसी है इस पंप की, तो आंसर विल बी इसका जो होगा वो आपका आंसर होगा, इसका आंसर होगा आउटपुट के लिए कितना आंसर आएगा, आउटपुट के लिए आएगा 397 आई थिंक समथिंग ना, 397.35, और जो इफिशियंसी बनेगी वो आएगी 23%, ठीक है, और ये जो इनपुट पावर है ये बना 1695.6 हॉर्स पावर, ये भी हॉर्स पावर में है, इसकी कोई यूनिट नहीं है परसेंटेज में, एग्री है क्या, ठीक है। ये ऐसा फॉर्मूला है, कुछ नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, मुझे बस इसका ध्यान रखना है, एक तो ये कन्वर्जन दे के रखेगा और ये मिनट में रखना है हमेशा, या सेकंड में रख सकते हो आप, अगर सेकंड में रखते तो यहां 550 से मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते, अगर आपने मिनट में रखा तो 33 से करते, कहां से पता चल रही है ये बात यहां से पता चल रही है, ठीक है। पाउंड फिट पर सेकंड का हॉर्स पावर में बताने के लिए ये कन्वर्जन होता है, पाउंड फिट पर मिनट को हॉर्स पावर में जाने के लिए ये कन्वर्जन होता है, एग्री है क्या। चलिए
तो अब एक क्वेश्चन में तुम लोगों के लिए एक और देता हूँ, दूसरे वाला ये करता हूँ सोल्व, और ये मैं आपसे घर पे आप बोलोगे इसको घर से करके लाओगे, ठीक है? आप घर पे ट्राई करोगे, नहीं होगा तो मुझे बेझिझक इसका आंसर मैंने लिख दिया है। देखो इसकी भी इफिशियंसी बहुत कम आ रही है, इसकी भी क्या है तो इफिशियंसी इनकी बहुत कम आती है, ध्यान रखना। गेट में कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो इफिशियंसी विल भी कम, ठीक है? काफी कम आएगी, तो कहीं ना कहीं इसकी इफिशियंसी कम आ रही है भैया, इतनी बात समझ में आ रही है मेरी। तो ये आंसर अगर आपका नहीं आता घर पे तो मुझे प्लीज भेज दीजिएगा, मैं इसका सोल्यूशन भेज दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोला है, एक आईसी इंजन है, एपीआई ग्रेविटी, अरे यार फालतू काम करवा रहा है मुझसे, एपीआई ग्रेविटी उसने मुझे दे दिया किसी फ्यूल का, जो मैं बर्न कर रहा हूं, जो मैं खर्च कर रहा हूं, जो मैं जला रहा हूं, हो सकता है वो डीजल हो, गैसोलीन है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी हीटिंग वैल्यू एच मुझे दे दी गई है, उसकी हीटिंग वैल्यू एच मुझे दे दी गई है, गिवन आउटपुट पावर, मतलब यार आउटपुट पावर मुझे दे दिया भैया इस बार तो 400 हॉर्स पावर विद एन ओवरऑल इफिशियंसी 40%, भाई साहब मतलब ईबी दे दिया यार। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्यूल कंजप्शन इन किलोग्राम पर मिनट, इन किलोग्राम पर मिनट में निकालना है यार, ये तो बहुत खतरनाक चीज पूछ ली इसने। गिवन 1 pound इक्वल टू दिस एंड 1 horsepower इक्वल टू दिस, और आंसर आपका आ जाएगा दिस, काम खत्म। कैसे आएगा चेक कर लेते हैं। सर सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, इसमें जो मुझे दिया है ना वो दिया है कुछ ऐसी बातें, कैसी, इसने इफिशियंसी दे दी गई है और पी आउटपुट दे दिया है, और पी इनपुट में आपकी दो टर्म होती है, कौन सी, कितना वेट ऑफ फ्यूल कंज्यूम हो रहा है पर आवर या पर मिनट, और हीटिंग वैल्यू क्या है। तो उसने मुझसे ये वाली टर्म पूछ ली, तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये वाली टर्म निकाल लूं और फिर इसके बराबर रख दूं, फिर कुछ तामझाम करूं, तो क्या मैं निकाल सकता हूं चीजें, यस। तो सर ये सर चलिए सर निकाल के दिखाइए। सर आपकी जो पावर है ना वो 40% है, वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, आपकी जो इफिशियंसी है वो 40% है, कितनी गिवन है सर 40%, और हॉर्स पावर आउटपुट पावर 40 है, 400 है, तो ये हो गया आपका 0.4 इक्वल टू पी आउटपुट, कितना गिवन है पी आउटपुट 400, पी इनपुट पता नहीं, यही निकालना है पहले, तो क्यू आई इक्वल टू 400 अपॉन 0.40, इससे ये गया मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, इससे ये कटा, ठीक है, तो ये मेरा आ गया क्यू आई, आ गया मेरा 1000, यूनिट क्या होगी ध्यान से समझिएगा, हॉर्स पावर में, क्योंकि जो आउटपुट की पावर और जो आउटपुट की इफिशियंसी है वही इनपुट की इफिशियंसी होती है, तभी जाके जो आउटपुट की यूनिट है वही इनपुट की होती है, तभी जाके ई हमारा यू डायमेंशन लेस बनता है। तो यहां आउटपुट की है 400 हॉर्स पावर, ठीक है, और यह डायमेंशन लेस, तो ये भी मेरी हॉर्स पावर में ही आ गई है। तो सर क्या मैं अब ऐसा कर सकता हूं क्या कि क्यू 1000 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना वेट ऑफ फ्यूल कंज्यूम हुआ मल्टीप्लाई बाय एच, इसको इसके फॉर्मूले के बराबर रख सकता हूं, इसको इसके फॉर्मूले के बराबर रख सकता हूं, और हीटिंग वैल्यू मुझे गिवन है, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई, ठीक है, अब ये हो गया आपका हॉर्स पावर। अब इस हॉर्स पावर को क्या मैं पाउंड फिट वगैरह में कन्वर्ट कर लूं, यस मैंने कन्वर्ट कर लिया 33000 में। अब जो इसकी यूनिट बनी है वो बनी है पाउंड, वो बनी है फीट, वो बनी है पर मिनट में भैया, ठीक है, इक्वल टू सर ये मुझे क्या है, मुझे निकालना है क्या यूनिट है सर इसकी, वो है इसकी पाउंड पर मिनट कितना खर्च हो रहा है, पाउंड पर मिनट या पाउंड पर आवर, पाउंड पर मिनट कितना खर्च हो रहा है, ठीक है, पाउंड पर मिनट कितना खर्च हो रहा है, इतनी बात समझ में आ रही है मेरे, और हाँ ठीक है, पाउंड पर मिनट कितना खर्च हो रहा है, ठीक है, हीटिंग वैल्यू क्या है सर, हीटिंग वैल्यू मुझे गिवन है, कितना है, कितना हीटिंग वैल्यू गिवन है, वो है आपका हीटिंग वैल्यू है 20000 BTU पर आवर, 20000 जो हो गया आपका 20000, ठीक है, BTU पर पाउंड, ठीक है, तो पाउंड से पाउंड कट गया, तो मेरे पास अगर मैं BTU को भी ब्रेक करना चाहूं, ये मुझे पता है BTU को ब्रेक करने का तरीका साफ सुथरा सा है, 1 BTU इक्वल टू 779 पाउंड फिट, ठीक है, तो मैंने क्या किया सर, मैं इसको पूरे तामझाम को यहां लिख रहा हूं, ठीक है, 1000 मल्टीप्लाई 33000 और जो यूनिट बन के आई है वो बनी है पाउंड फीट पर मिनट, वो धीरे धीरे करा रहा हूं यार पता नहीं क्यों, इक्वल टू ये बना आपका वेट ऑफ फ्यूल जो बर्न हो रहा है और जिसकी यूनिट है पाउंड पर मिनट,
ठीक है, पाउंड पर यूनिट, पाउंड पर मिनट, और पाउंड से पाउंड कट गया है, आपका बचा है BTU पर मिनट, आपका बचा है BTU पर मिनट, ठीक है, ये हो गया आपका BTU पर मिनट, BTU पर पाउंड। तो मैंने इससे ये क्या लिख रहा हूँ मैं, ये हो गया, अब मैंने इससे कट कर दिया तो मेरा BTU पर मिनट बचा ना, ठीक है, तो ये मेरा बच गया, बस सीधा सीधा लिख दो यहाँ पे इसका 20,000, ठीक है, और ये हो गया BTU पर मिनट। अब BTU को मैंने ब्रेक कर लिया, इसमें मल्टीप्लाई 779 और यूनिट बनेगी पाउंड फिट पर मिनट, तो पाउंड पर फिट पर मिनट, पाउंड फिट पर मिनट, तो यूनिट बराबर है, तो यहां से मेरा WF निकल जाएगा। अब आप बोलोगे सर WF क्या है, WF है कि एक मिनट में कितना डीजल खर्च हो रहा है, बर्न हो रहा है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया 1000 मल्टीप्लाई 33,000, ठीक है, और डिवाइड बाय 20,000, ठीक है, और डिवाइड बाय 779, तो मेरा जो वेट ऑफ फ्यूल बर्न हो रहा है वो हो रहा है 2.118 पाउंड पर मिनट, इतना हो रहा है। लेकिन उसने क्या पूछा है मुझसे, उसने पूछा है कि आपका जो फ्यूल बर्न हो रहा है वो कितना बर्न हो रहा है, ये बर्न हो रहा है 2.1 पाउंड पर मिनट, बट उसने पूछा है मुझसे किलोग्राम पर मिनट में, तो मिनट तो मेरी एज इट इज सेम ही रहेगी, ठीक है, मिनट तो मेरी एज इट इज सेम ही रहेगी, लेकिन मुझे पता है 1 kg इक्वल टू 2.20 पाउंड, तो इसका मतलब ये अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, अब वो डिवाइड कर दूं, वो कर दूं, वो आप बोलोगे सर ये तो मुझे पता ही नहीं है क्या डिवाइड कर दूं, भाई इसको थोड़ा सोचो कि मैं क्या करना जा रहा हूं, मैंने इसको 2.2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि एक किलो में इतने पाउंड होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ना 1 pound में 1.2.20 kg होते हैं, ठीक है, तो इतने में कितने होंगे, इतने में इतने होंगे, एग्री, तो इससे मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया इतना, यूनिट आई इतनी, तो आंसर आया 0.96, आंसर आया कितना 0.95, एक ही बात है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया। अब जो जैसा क्वेश्चन मैंने ये कराया था सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से आप इसको कर सकते होंगे, बिल्कुल कर सकते होंगे। अच्छा इसमें डेंसिटी का क्यों काम नहीं आया, इसलिए काम नहीं आया क्योंकि डेंसिटी का काम पड़ता है मेरे भाई क्या बोलते हैं W में, W को मैं अगर वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो पड़ सकता है, तो अगर मुझे ये पूछता कितना कितना गैलन पर मिनट खर्च हो रहा है तो मैं फिर डेंसिटी का यूज करता, हालांकि उसने मुझे डायरेक्टली फॉर्मूले में मेरा पाउंड होता है और डायरेक्टली पाउंड में ही पूछ लिया, तो मेरा कन्वर्जन का कोई खराब मतलब काम नहीं पड़ा, तो ये वाला सेम है, ठीक है, ये वाला आंसर इसका ये है, अगर नहीं आएगा तो बिल्कुल पूछेंगे, मैं एकदम सोल्व करके इसको रखूंगा अपने पास, एकदम तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है, तो ये आपका इस लेक्चर में हम लोग क्या इसको खत्म करते हैं, ये आपका क्या बोलते हैं खत्म कर दिया पावर सिस्टम, ठीक है, खत्म कर दिया, दिमाग में नहीं आ रहा पावर सिस्टम, तो होस्टिंग सिस्टम हम अगले लेक्चर से देखते हैं, ठीक है, होस्टिंग सिस्टम में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें काफी इंपॉर्टेंट भी है काफी, ठीक है, सबसे ज्यादा होस्टिंग सिस्टम ही इंपॉर्टेंट है इसमें, फिर एक सर्कुलेशन सिस्टम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ऐसे ही है, जैसे अभी मैंने पढ़ा ना ये एक बार के लिए हो सकता है कि ना भी आए, लेकिन ये जो होस्टिंग सिस्टम है और जो सर्कुलेशन सिस्टम सबसे बाद में कराऊंगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस लेक्चर को यहीं पर रखते हैं, थैंक यू वेरी मच ब्रो, हैव अ नाइस डे।